अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप दैट आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है मेरी? चले जी, आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी। चले ठीक है, थैंक यू सो मच वासे। अच्छा जी, आई वेलकम यू ऑल। एंड आज हमने बात करनी है इस्लामियात के ऊपर। हमने अपनी ओरिएंटेशन के अंदर बेसिक्स ऑफ इस्लामियात के ऊपर जो है वो चीजें डिस्कस की थी और कुछ कंपोनेंट्स हमने उस वक्त देखे थे। आज हम आपके अगर सिलेबस का एक एनालिसिस किया जाए तो आपका जो न्यू सिलेबस है दैट इज जस्ट लाइक द सिलेबस ऑफ सीएसएस। पहले यह था कि आपके सिलेबस के अंदर आयात का तर्जमा भी मौजूद था, 10 ऐसी आयात बीच में ऐड की गई थी, लेकिन अब जो आपके पास बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सीएसएस की तरह। अब सीएसएस के सिलेबस के अंदर जब आप इस्लामियात का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो इस्लामियात के हवाले से आपने देखा होगा कि इंग्लिश के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट का फेलियर रेशियो है तो इस्लामियात है। इसकी बुनियादी रीजन ये होती है कि जब आप इस्लामियात को बहुत लाइट ले लेते हैं और इसका इस्लामियात को जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वो यूनिवर्सिटी कॉलेज वाली इस्लामियात है कि अगर एक दिन पहले पढ़ेंगे तो हमारी तमाम चीजें मुकम्मल हो जाएंगी। आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस्लामियात के हवाले से वो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। कंटेम्प्रेरी से मुराद जो होती है कि जो हालात हाजरा को के अकास होते हैं, जैसे कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, यानी कि औरत का इस्लाम ने औरत को क्या रुतबा दिया या कौन कौन सी चीजें उसमें। दूसरी चीज अगर वो आपसे पूछता है तो वो मुस्लिम उम्मत को दरपेश मसाइल है कि जो आप जिनको देखते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज ये होता है कि जिसको आप कंटेम्पररी चैलेंजेस टू मुस्लिम उम्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके जो बेसिक बिलीव्स हैं जिसके अंदर नमाज, रोजा, ज़कात, हज है, उनके ऊपर तो वो बात करता है लेकिन उनका इम्पैक्ट आपसे पूछ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ये कहेगा कि आप इस नमाज का या रोजे का या जकात का या हज का एक इंसान के ऊपर स्पिरिचुअल इफेक्ट क्या आता है, रूहानी क्या है। अच्छा जी, उसके बाद आप कहते हैं इज्तमाही क्या है, तो फिर एक इंसान के ऊपर वो क्या क्या असरात है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको हमने देखना होता है और लेकर चलना होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं इंग्लिश वर्सेज उर्दू डिबेट, और एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में सिर्फ ये बता दूं कि इंग्लिश में इस्लामियात ऑप्ट करना बेहतर है एज कम्पेयर टू उर्दू। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके अंदर आपकी पासिंग रेशो भी ज्यादा होती है और अब आप जब बाकी मजामीन आप अंग्रेजी में लिख रहे होते हैं तो इसको जब आप इंग्लिश में ऑप्ट करते हैं तो अल्टीमेटली इसके जरिए आपके बहुत सारा जो है वो फर्क पड़ जाता है। और दूसरी जो मैंने बात बताई कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस की, तो आप अंग्रेजी में उसको बड़े आसानी से रिलेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू उर्दू। हम सबसे पहले आज तो बेसिस पढ़ेंगे जो कि आपका, मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है कि इट्स लाइक दैट कि हमने बहुत, हमारे पास कम वक्त है और तैयारी हमने करनी है। तो आज हम बेसिस के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम इस्लाम को समझेंगे, दीन और मजहब के फर्क को देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जो जितनी भी हमारे पास बेसिक चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि तौहीद है, रिसालत है, आखरत है, या फिर आगे चल के हमारी वर्शिप्स हैं जिसमें नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, तो उनका असर क्या होता है। ये आपका सेक्शन नंबर वन है जो कि आपके सीएसएस के पेपर में भी है और आपके जीबीसीई के एग्जाम में भी आता है। तो सबसे पहले लेट मी शेयर माय स्लाइड्स आप लोगों के लिए। स्लाइड्स में शायद काम आसान हो जाएगा, बड़े ही तरीके से हम जब इन चीजों को देखेंगे तो दैट विल हेल्प यू इन वन वे और अदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इस्लाम से, हम चीजों को शुरू करते हैं कि जब आप इस्लाम की बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ। उसके अलावा मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी आयात और अहदीस के हवाले से जो कि स्कैन डॉक्यूमेंट है, उसको कैम स्कैनर पर डाउनलोड करने का मकसद ये था कि आप लोग अगर डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आप अगर पैरा वर्ड याद कर रहे हैं अंग्रेजी के लिए, कोई और चीज देख रहे हैं, तो एक चीज आप और अपने उस तमाम काम में ऐड कर लीजिएगा कि उन आयात और अहदीस का आप डेली बेसिस के ऊपर कोई से दो आयात और दो अहदीस कर लीजिएगा। वो आपके साथ एडमिन के जरिए शेयर हो जाएंगी और ये स्लाइड भी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चीज के ऊपर परेशान होने की आपको जरूरत नहीं होगी। आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, आप जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और अगर आप वो लोग की जो लास्ट टाइम अवेलेबल नहीं थे उनके लिए मैं अगर पेपर अटेम्प्टिंग के बारे में बताऊँ तो इस्लामियात के पेपर के अंदर भी आप आउटलाइन मेकिंग करेंगे। आउटलाइन मेकिंग से मेरी मुराद ये है कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वहां पे इनलिस्ट करेंगे। इनलिस्ट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज आएगी या जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव आप इसमें ऐड करेंगे वो ये होगा कि आपने हर एक 20 नंबर के सवाल के लिए अपने जेन में ये एक तासुर रखना है कि आपने दो आयात, दो अहदीस और दो रेफरेंसेस लिखे। आयात के लिए मैंने ये कहा था कि अरबी लिखते हुए आप अराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जरूर आयात को लिखिए, उनका तर्जमा मेंशन कीजिए, और उसके बाद आप अक्सर ब्रैकेट के अंदर आगे किसी सूरत का नंबर लिख देते हैं, किसी आयत का नंबर लिख देते हैं,
ऐसा आप नहीं करेंगे, आपने सिर्फ अल कुरान या अल हदीस कह के अपनी बात को मुकम्मल करना होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम चलते हैं और इंट्रोडक्शन टू इस्लाम के ऊपर बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इस्लाम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब रेफरेंसेस की जो बात मैंने की है, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि रेफरेंस हम कौन सा या कैसे ऐड करेंगे। अब आप रेफरेंस जब एग्जामिनर को देते हैं तो आप उसको ये तासुर दे रहे होते हैं कि आप उसके सब्जेक्ट के बंदे। सब्जेक्ट का बंदा होने से मुराद ये होती है कि आप उसे क्लियर कट नोशन में बता रहे हैं कि हाँ अब मैंने इस चीज को यहाँ से प्रिपेयर किया है, मुझे इन सोर्सेस का पता है कि जिन जिन सोर्सेस से सवाल आ सकता है। अब कंसेप्ट ऑफ इस्लाम की अगर हम बात करें तो अब आपने सिर्फ वो चीजें पिक करनी है कि जो आपके पेपर के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। कहीं पे भी सवाल आएगा, ये हमारी पूरी की पूरी स्लाइड इज इंट्रोडक्टरी स्लाइड के इस्लामियात को कोई भी सवाल आए आप इसको वहां पिंच इन कर सकते हैं। इस्लाम अरबी जबान का लफ्ज है और इसके मैनी है रब के सामने झुक जाओ, और ये रूल यानी कि इस्लाम सलम से निकला है और सलम के मैनी है रब के सामने झुक जाओ। हमारे पास इसकी दो जो रेफरेंसेज हैं उनमें दो तरह के मानी बताए गए, एक तरफ अमन कहा गया है और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि अपने रब के सामने झुक जाओ। कुरान करीम के मुताबिक अगर कोई वाहिद दीन है कि जिसको हजरत आदम से लेके नबी करीम खातमुन नबीजीन तक तमाम नबियों और पैगंबरों ने फॉलो किया तो इस्लाम है। अब इस्लाम के बाद दूसरी चीज भी आती है कि जो इस्लाम लाएगा वो मुसलमान कहलाएगा। अब मुसलमान की तारीफ में ये चीज शामिल है कि उसमें तीन चीजें होनी चाहिए, वो ईमान रखता हो, वो फेथ रखता हो, यकीन रखता हो, और फिर अपने उस यकीन के ऊपर अमल भी करे और उस अमल का उसे एहसास भी हो, रियलाइजेशन भी हो अपनी खलवत और जलवत के अंदर। इसलिए हम इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इस्लाम के मुताबिक इंसान जो है वो रब ताला का नुमाइंदा है और अल्लाह ताला ने इसको अपना नायब और खलीफा बनाकर भेजा। इस्लाम का बुनियादी जो मकसद है वो इंसान को उसके रब रसूल और उनकी तालीमात के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे अगर हम इस्लाम को बतौर दीन समझना शुरू करें तो इस्लाम रब के सामने झुक जाने का नाम। अब ये आपको जहाँ पे जो आयत नजर आ रही है यहाँ पे आप देखिएगा ये 13:28-19 आप ये नहीं लिखेंगे, आपने सिर्फ अल कुरान लिखना। आयत के अंदर अगर आपको मसला आता है और आपको किसी आयत का उर्दू तर्जमा आता है तो आप जस्ट उसको ट्रांसलेट कर दीजिए अंग्रेजी के अंदर एंड देन उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में किसी चीज को रट्टा लगा। अगर हम देखें इस्लाम और बाकी मजाहिब के दरमियान फर्क तो अल्लाह ताला यहाँ पे अब हमें इस्लाम की इम्पोर्टेंस के अंदर हम आगे चल के इसको डिस्कस कर सकते हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल रब की याद में सुकून पाते हैं और बेशक वो इस चीज के ऊपर ईमान रखते हैं कि सिर्फ रब ही है कि जो उनको सब कुछ देगा और वो अपने रब की तरफ वापस जाएंगे और उनके लिए एक अच्छा ठिकाना है यानी कि जन्नत। यहाँ पे बिलीवर्स की बात जब हम करेंगे या ईमान वालों की जब बात होगी तो आपने इस चीज के अंदर इस पॉइंट को लाजमी मेंशन करना है कि भाई आपका बिलीवर्स का और नॉन बिलीवर्स का जो सबसे पहला फर्क होता है कि बिलीवर ईमान लेकर आता है वो तौहीद के ऊपर कारबंद होता है। उसके बाद इस्लाम अगर आप बतौर मजहब देखें तो उसमें किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं है। कुरान करीम के अंदर वाज़ह अल्फाज में कहा गया कि जो चाहे वो ईमान लेकर आए, जो चाहे वो ना लेकर आए, आपके सामने रस्ते मौजूद हैं। अब इस्लाम का जो कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल किसी चीज की कंसेप्ट सीरीज जो आप करते हैं उसका कोर वैल्यू होती है। पहली चीज जो आपके इस्लाम के अंदर मौजूद है वो तौहीद है, और तौहीद से मुराद ये है कि खुद मुख्तारियत रब की, कि ऐ लोगों तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, जिसने तुमसे गुनाह को दूर कर दिया, आसमान को ओढ़ना बनाया, जमीन को बिछोना बनाया, आसमान से तुम्हारे लिए नींव बरसाया और अच्छी खुराक पैदा की, तो फिर तुम उसके मुकाबले में क्यों दुश्मनी करते हो हालांकि तुम जानते हो कि क्या ठीक है। अब यहाँ पे ये वो रीजंस हैं कि जिनकी वजह से आप ये कहते हैं कि वाय तौहीद, क्यों रब के ऊपर ईमान लाया जाए, इसलिए कि वो मालिक है, वो खालिक है, उसने जमीनों आसमान को, अब एक शख्स आपको खाने के लिए एक वक्त की रोटी देते हैं हम उसके मोहताज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बुनियादी मकसद ये है। सुरैया आप प्लीज यहाँ पे इसको गंदा करना छोड़ें और क्लास के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे हमारा बुनियादी एक फोकस ये है कि भाई तौहीद क्यों हम जब कहते हैं तो तौहीद के पर्सपेक्टिव में ये वो चीजें हैं जिनको हमने देखना। और दूसरी चीज ये है कि इस इंसान को बनाने का मकसद ये था कि जितने भी लोग जिन्होंने इंस पैदा किए गए उनको मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो मेरी अताहत करें। अब जब एक चीज का काम ही ये है कि भाई अब फोन का काम है, आपने उस पर कॉल सुनी है तो आप कॉल ही सुनेंगे, तो इस तरह हमारे पास ये चीज आ जाती है।
अब तौहीद के बाद दूसरी चीज है प्रॉफिटहुड एंड लाइफ आफ्टर डेथ. ये तमाम वो चीजें जो आप वन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें ये बेसिस बनाती हर नबी और पैगंबर हमारी तरफ से हमने भेजी ताकि अल्लाह ताला की बनाई हुई हदों के मुताबिक तुम उनकी अताअत करो. इसी तरह अगर हम आखिरत के दिन की बात करें तो अल्लाह ताला ने कहा कि मौत के बाद और आखिरत के दिन के दरमियान एक पर्दा है जिसको हम कहते हैं परगेटरी. ठीक है, यानी कि आखिरत जो है मौत के बाद की जिंदगी वो एक अटल हकीकत है और बतौर मुसलमान आपको उसके ऊपर ईमान होना एक लाजिम बात है. यहाँ तक कि उनमें से किसी एक को मौत आ लेती है और फिर वो कहते हैं कि ए हमारे रब हमें वापस भेज, ए हमारे रब हमें वापस भेज. हर गिस उनको वापस नहीं भेजा जाएगा. ये वो वाहिद अल्फाज हैं कि जो वो पुकार सकते हैं क्योंकि उनके सामने एक पर्दा है और वो आखिरत के दिन उठाया जाएगा. यानी कि मौत के बाद की जिंदगी एक अटल हकीकत है जो कि इस्लाम का एक बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है. उसके बाद अब ये आप देखिएगा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है इस्लाम के हवाले से तो उसके अंदर एक चीज के ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट किसी तरह उसमें इनकॉर्पोरेट कर. ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो इस्लाम में मौजूद है और बाकियों में आपको नहीं दिखाई देती. कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं इस्लामी आइडियोलॉजी के. आइडियोलॉजी नजरिया होता है और नजरिया हयात से मुराद वो तमाम वैल्यूज और प्रिंसिपल्स होते हैं कि जिनके तहत आप अपनी जिंदगी गुजार रहे होते. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक राइटर है और वो ये कहते हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हमेशा एक बुलंदी पर पाया क्योंकि उसकी विटैलिटी उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है. इस दीन के अंदर आपको शायद ही कोई ऐसी चीज हो शोबाए जिंदगी की कि जो कवर ना मिले, वरना इसमें हर एक चीज बड़ी खूबसूरती से कवर की गई है. सबसे पहला जो बेसिक करेक्टर इस्लाम का कि ये बेस्ड करती है डिवाइन रेवोल्यूशन के ऊपर, यानी कि खुदाई ताकत है कि जिसके जरिए आपको ये मिला, इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं. दूसरी चीज ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ता हयात है. इसके अंदर आपको जिंदगी के तमाम शोबाओं के अंदर एक तमाम जो है वो पूरी की पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए. अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस्लाम इंफरादियत और इज्तमाईयत के दरमियान बैलेंस करने का नाम. अगर हम इंफरादियत की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंसान को ऐसे नहीं है कि जिस तरह आप अक्सर कहते हैं ना कि चार लोग आएंगे तो हम आपको ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्काउंट दे देंगे. यहाँ पे एक शख्स की नेकी भी नेकी है और 40 लोगों की नेकी भी नेकी है और एक शख्स का गुनाह भी गुनाह है और पूरी उम्मत का गुनाह भी गुनाह. उसके बाद एक इस्लाम का एक बड़ा बेसिक करेक्टर ये है कि ये रूह और जिस्म का जो इम्तजाज है जिसको हम मैटर और स्पिरिट कहते हैं, जिसको हम शायद दुनिया के सामने कभी नहीं पेश कर सकते, वो ये हमें देता. और ये एक सादा दीन है. अगर आप देखें तो ये अरब के बुद्धों के ऊपर जब हमारे पास पूरा कंसेप्ट आप देखें कि वो लोग थे जो किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं थे, शायद वो बेसिक नॉलेज को भी नहीं लैक कर रहे थे, लेकिन सादगी इसकी इतनी थी कि इसने उनकी जिंदगी तब्दील कर. फिर इसी तरह ये एक प्रैक्टिकल दीन है और एक रैशनल दीन. प्रैक्टिकलिज्म एंड रैशनलिज्म तकरीबन एक जैसी चीजें होती है. जब हम कहते हैं कि किसी चीज का काबिल अमल होना या किसी चीज के ऊपर अक्ल और ज़ेहन का मान जाना, आप इसके रैशनल होने का अंदाजा ये लगाइए कि अगर आप इबादत के औकात देखें, अगर आप रोजे का टाइम स्पैन देखें, हज का साल में एक दफा की फर्जियत देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितना प्रैक्टिकल है कि इंसान अपने बाकी अमूर के ऊपर भी काम कर रहा है. अब अगर आप यही सोचें कि अगर आपका रोजा 23 घंटे का हो जाता तो आप कहते कि हम किस टाइम खाएंगे और क्या करें. तो ये जो रैशनलिज्म है या प्रैक्टिकलिज्म है ये इस्लाम का खासा है. उसके बाद इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं करता, ये सिर्फ अरब और पाकिस्तान वालों के लिए बात नहीं करता, बल्कि इस्लाम तमाम की तमाम उम्मत की बात करता है, तमाम की तमाम इंसानियत की बात करता है और तमाम की तमाम दुनिया की बात करता है. इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है और एक ह्यूमनिस्टिक दीन. इस्लाम के अंदर जो रब का तसव्वुर है वो तमाम दुनिया जहानों का रब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए नबी और पैगंबर है. ठीक है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. आलमीन कहा गया है, मुस्लिमीन नहीं कहा गया, तमाम आलम का यहाँ पे तज़किरा किया गया और कुरान करीम में यही आगे जो मैंने आपको अभी बताया. सो दिस इज द पॉइंट, ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये आपकी मैंने बताया था कि ये आपका पूरे इस्लामियात की बैकबोन बनाएगी स्लाइड की. आप इस्लामियात के अंदर जब इस्लाम की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं. अब बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बाद अगली चीज है एक्सपोजिशन ऑफ इस्लाम, की किन किन फैक्टर्स को हम देखते हैं जब हम इस्लाम के दायरे कार को ड्रॉ करते हैं, जब इस्लाम की बाउंड्री लाइन को हम बनाने की बात करते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं. सबसे पहले इस्लाम रब के ऊपर ईमान का नाम है, फरिश्तों आखिरत के दिन नबियों और रसूलों के ऊपर यकीन करने का नाम,
तो एक्सपोजिशन से मुराद सबसे पहले अगर आप इसको कंपोजिशन समझिए तो पहली चीज ये है कि इसमें बिलीफ्स की बात की गई, फिर उसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल डिवोशंस की बात की गई। प्रैक्टिकल डिवोशन से यहाँ पे मेरी मुराद ये है कि जनाब आपकी जो इबादत है जिनको हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली कोई चीज आप करके जब दिखाते हैं, जिनको हम वर्शिप्स के नाम से आगे देखेंगे, तो उसमें नमाज है, रोजा है, जकात है और हज। उसके बाद इस्लाम ना सिर्फ इबादत की बात करता है बल्कि इस्लाम ट्रांजैक्शंस के आप दूसरे लोगों के साथ किस तरह बर्ताव करेंगे, बिटवीन मैसेज अवाम, कि आप एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, लेन देन का मामला हो या फिर कोई और सिलरहमी के मामला। उसके अलावा इस्लाम इखलाकियात का दर्स देता है। अगर हम कुरान करीम की तालीमात को देखें और उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हमारे पास जिंदगी है उसमें हमें वाजह तौर पर ये चीज नजर आती है कि जो इखलाकियात का दर्स है वो मौजूद है। और इस्लाम सजा और जजा के बारे में बात करते हैं, कुरान करीम का एक असलूब है कि जिसमें सबसे पहले अगर आपको नेकी के बदले अजर बताया गया है तो साथ गुनाह के बदले आपको ये भी बताया गया है कि इसके ऊपर आपकी सजा है। तो पनिशमेंट और पेनालिटीज का भी तस्करा हमें इस्लाम इन तमाम चीजों के ऊपर भी बताता है। ये जो सिस्टम्स हैं आपके सिलेबस में भी शामिल है, हम इसको एक दिन डिस्कस करेंगे कि जो इस्लाम का अगर इखलाकी निज़ाम है, माशी निज़ाम है, माशर्ती निज़ाम है या उसके अलावा हमारे पास मुआशी या सियासी निज़ाम है, तो इस्लाम के अपने एक सिस्टम्स हैं। इस्लाम को अगर आप समझिए कि जिस तरह आपकी स्टेट के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स चल रहे होते हैं तो इस्लाम ने इन सिस्टम्स को किस तरह बताया और इसमें कौन कौन से फीचर्स इन्वॉल्व। अब ये एक और रेफरेंस है, आप इसे कोट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी। रेफरेंसेस ऐड करने का बुनियादी मकसद ये है कि आपके पेपर के अंदर आप स्टैंड आउट करें। अगर आप देखें ना तो आपको मेरी स्लाइड्स में मोस्टली रेफरेंसेस नॉन मुस्लिम्स के मिलेंगे, क्योंकि आप जब मुस्लिम को कोट करते हैं तो वहां पे आपका इमोशनल बीइंग भी आ जाता है, लेकिन जब अगर आप किसी फॉरेन को कोट करेंगे तो उसका बुनियादी एक अमल ये होता है कि उसके अंदर बड़ा आपको एक अनबायस्ड एनालिसिस भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप उसको भी कोट कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और वो तमाम लोग की जिनका अभी तक ये माइंड बना हुआ है कि हमने उर्दू में करना है, उर्दू के अंदर मैं आपको सराज इस्लामियात के नाम से एक किताब है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट। अब इसके साथ ही हम जब कंसेप्ट ऑफ इस्लाम की बात करते हैं तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पीएमएस पंजाब के अंदर भी आया हुआ था, सीएसएस के अंदर इस साल नहीं पूछा गया, जो कि दीन और मजहब का फर्क है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि दीन और मजहब की जब हम बात करते हैं और इसके ऊपर एक डॉक्टर सरार अहमद का एनालिसिस है उसको भी हम देखेंगे और उन फीचर्स को हम पर्टिकुलरली जब इनलिस्ट कर रहे होंगे तो इसमें हमने बुनियादी तौर पर ये देखना है कि दीन और मजहब में फर्क क्या है। अच्छा, इस्लाम को जब हम बतौर दीन कहते हैं तो इसमें हम किन किन फीचर्स को देख रहे होते हैं या किन किन पर्सपेक्टिव्स को हम मोस्टली फॉलो कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब इसको देखते हैं एंड देन हम आगे चलते हैं। दीन और मजहब के दरमियान फर्क समझाने के लिए मैं हमेशा एक बड़ी क्लिशियस एग्जांपल देती हूँ कि दीन इज लाइक अ पूल एंड रिलीजन इज लाइक अ फिश। अब एक बड़ी चीज है दीन और उसके अंदर एक छोटी चीज है आपके लिए जिसको हम बात करते हैं मजहब। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो दीन और मजहब के अंदर उससे भी पहले एक चीज ये है कि दीन की अहमियत क्या है। पीएमएस के अंदर जो सवाल आया हुआ था वो ये सवाल था कि दीन और मजहब का फर्क बताइए, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीन एंड मजहब, और उसके बाद उसी के साथ लिंक उसने पूछा हुआ था कि इंपॉर्टेंस ऑफ दीन बताइए इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जब भी आपके पास बच्चों क्वेश्चन के अंदर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आए तो आपने हालात हाजरा का तस्करा जरूर करना है, आपने ये जरूर बताना है कि हालात किस तरह के हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो है वो मामला अजीब है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जिसको हमने देखना। अब दीन के हवाले से मैंने आपको बताया कि दीन एक बड़ी चीज है और रिलीजन उसमें एक छोटी चीज है, इनकी डेफिनेशन हम आगे देखते हैं और हमें आपको समझ आएगा। अब ये डेफिनेशन है दीन और मजहब की कि जो आपका मजहब है वो इंसान और रब के ताल्लुक की बात करता है। जब आप हकूक अल्लाह की बात करते हैं तो उस वक्त आप मजहब की बात कर रहे होते हैं, लेकिन दीन हकूक अल्लाह और हकूक अलबाद दोनों का तज़किरा करता है। दीन के अंदर हम इंसान का ताल्लुक रब के साथ और साथ वाले लोगों के साथ भी बता रहे होते, इसलिए दीन एक बड़ी चीज का नाम और दीन हर एक शोबाए जिंदगी को कवर करता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इस्लाम न सिर्फ मजहब बल्कि दीन। प्रोफेसर डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम का ये कहना है कि इस्लाम का मतलब अमन है और उसके साथ झुक जाना, और पर्पज ऑफ लाइफ इस्लाम के अंदर जिंदगी का जो मकसद है गुजारने का वो ये है कि उसको अच्छे तरीके से गुजारा जाए, और जिंदगी तभी अच्छी गुजरेगी कि जब आप हकूक अल्लाह के साथ हकूक इबाद को भी फोकस करें। और इस्लाम एक दीन है, अगर आप देखें तो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर आपको दीन की ही बात नजर आएगी जिसमें अल्लाह ताला कहता है दीन, ऐसा नहीं कहा लकुम मज़हबुकुम, दीन को।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दीन जो है वो बेसिकली इंसान को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। आप कहीं रास्ता भटक जाए, आपको गाइडर जो है वो बताता है कि ये रास्ता सही रास्ता जा। और बेशक कुरान करीम में भी ये बात बताई गई है कि बेशक कुरान करीम इंसान को उस चीज की तरफ गाइड करता है जो सबसे ज्यादा ठीक है। एक होता है ठीक होना, एक ऐसी चीज की जिसके मुकाबले में कोई और आप बात कर ही नहीं सकते, और दीन एक सीधा रास्ता दिखा। और बेशक कुरान करीम में ये चीज शामिल है कि तुम्हारे के पास रब की तरफ से एक रोशन किताब और हदायत आई। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हदायत है इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस्लाम, अब ये बहुत सिंपल आयात है, आप इनमें से बेशक कोई याद ना करें लेकिन आप इनमें से पॉइंट जरूर निकाल सकते। आयात वाला मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करवा दूंगी, आप उसमें से अपनी आयात याद कर सकते। और दीन इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ जो है वो सफर तय करवाता है। अंधेरे और रोशनी से मुराद ये है कि ला इल्मी से इल्म का जो सफर है। एक बहुत अच्छी लिखी हुई किताब अगर कोई पढ़ना नहीं जानता तो उसके लिए कुछ भी किसी मानी और मतलब को नहीं जानता। अगर वो उसे पढ़ सकता है तो फिर वो उससे मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और उसके अलावा जो दीन है ये हिकमत से भरपूर है, इसीलिए कुरान करीम में ये चीज शामिल बताई गई है कि यासीन की कसम कुरान करीम हिकमत से भरपूर। अब दीन इंसान को सही और गलत की तमीज बताता है। अब ये इंपॉर्टेंस है, वो जो सवाल में आया हुआ था ना इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, आप क्वेश्चन में पहले कंटेम्पररी वर्ल्ड के वो इश्यूज बताएंगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न जो वर्ल्ड के अंदर चैलेंजेस है मुस्लिम उम्मा। आपने क्वेश्चन के हर उस पॉइंट को डिस्कस करना है जो आपसे पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीन एंड मजहब, आप उसका डिफरेंस बताइए। वो कह रहा है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, तो दीन की इंपॉर्टेंस सिर्फ नहीं बतानी, कंटेम्पररी वर्ल्ड की तस्वीर भी बतानी है, और फिर इस इंपॉर्टेंस को उस कंटेम्पररी वर्ल्ड के साथ आपने लिंक कर। दीन जी सही और गलत की तमीज बताता है। दीन आज के इंसान की जितनी भी रूहानी बीमारियां हैं उनका क्योर है। उसके बाद दीन तमाम बुराइयों के अगेंस्ट जो है एक गार्ड है, यानी कि आपको तमाम बुराइयों और खराफात से बचाता है। दीन इंसान को एक क्लियर मैसेज देता है कि ये सही है और ये गलत, और इंसान के दिल के अंदर रब के लिए जो तकवा है वो दीन पैदा करता है। उसके साथ साथ इंसाफ की बालादस्ती हो, कानून की जो है वो बालादस्ती हो, ये तमाम वो चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ दीन की वजह से ही आप इस्टेब्लिश कर सकते। अब आप क्वेश्चन कैसे लिंक करेंगे, आपके पास क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल जब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का, तो आप ये कहेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट स्पिरिचुअल इलनेस एंड उसमें आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर देयर इज अ लॉट नंबर ऑफ पीपल कि जो आपकी सुसाइडल रेशियो बढ़ गई है, उसमें आप ये कहेंगे कि दीन की टीचिंग उसको आप कवर करेंगे। या आप ये कहेंगे कि इनइक्वालिटी जो माशरे के अंदर या नाइंसाफी है, तो उस नाइंसाफी को आप किस तरह कर्व कर सकते हैं जब आप दीन की तालीमात को लेकर आए। या फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, तो जब हम दीन को एस्टैब्लिश करेंगे जो दीन ने औरत को हकूक दिए हैं उनके जरिए हम इस वायलेंस को खत्म कर सकते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी दीन और मजहब का फर्क, ये डॉक्टर सार अहमद का एनालिसिस है और उन्होंने ये कहा है कि दीन और मजहब दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं और इस्लाम दीन। अगर हम कुरान और हदीस में देखें तो हमें इस्लाम के लिए लफ्ज दीन मिलता है, मजहब नहीं मिलता। तो इसलिए इस्लाम एक दीन है और ये तमाम की तमाम चीजों को फोकस करता है। पेपर के अंदर आप इस तरह दीन और मजहब का फर्क नहीं लिखेंगे, ये बड़ा चाइल्डिश लगता है। पहले आप एक चीज बताएंगे फिर आप दूसरी चीज बताएंगे। जब हम मजहब की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि मजहब हकूकुल्लाह का नाम, वो सेट ऑफ बिलीव्स हैं कि जिनमें हम नमाज, रोजा, जकात या हज देख रहे हैं। जबकि जो दीन है वो हमारा अस्लूब हयात है, उसमें जिंदगी के तमाम पहलुओं और तमाम शोबाए जिंदगी के ऊपर बात की गई है। दीन के अंदर ये बताया गया है कि रब की खुद मुख्तारियत है और दुनिया का निजाम रब के अंदर है और सजा और जजा का जो अमल है वो रब के पास है। तो यहाँ पे हमें वो तमाम की तमाम एक पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि दीन और मजहब का फर्क क्या है। फिर मजहब क्या है, मजहब के अंदर अब मुख्तलिफ मजाहब है। इंडियन पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे आपको क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सिखिज्म, उनकी अपनी अपनी इबादत के तरीके हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ हो सकती हैं। उनकी अपनी अपने तरीकेकार हैं जिसके ऊपर वो अपनी इबादत कर रहे हैं। अब मजहब के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट चीजें चल रही हो, लेकिन जब हम दीन की बात करते हैं तो दीन की ये बेस्ट डेफिनेशन है कि दीन इंस खालिक का मखलूक और खालिक की तखलीक के साथ ताल्लुक का नाम, कि आप दीन के अंदर इंसान का उसके क्रिएटर और उस क्रिएटर की जो क्रिएचर है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो हीवान है, चाहे वो चरिंद है, चाहे वो परिंद है, उनके साथ जो ताल्लुक उसको आप दीन कहते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे मजाहिब मौजूद है, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन दीन सिर्फ एक है और वो इस्लाम। और अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर आपको किसी मुल्क के अंदर दो सियासी निजाम एट अ टाइम नहीं नजर आएंगे। अब पाकिस्तान में आप ऐसे नहीं कहेंगे कि पंजाब और सिंध में डेमोक्रेसी है और
जो के पी एंड बलूचिस्तान है वहां पर मार्शल लॉ लगा, एक ही सिस्टम होता है, लेकिन मजाहब यहाँ पे बहुत सारे। आप ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ एक मजहब, देर आर मोर देन वन रिलीजन जो पाकिस्तान में मौजूद है। एक और बड़ा डिफरेंस जो रिलीजन और आपका दीन और मजहब के दरमियान है वो ये है कि आप जब हकूकुल्लाह को नहीं अपनाते या आप फॉर एग्जाम्पल नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, तो उसके ऊपर आपको दुनिया की कानून की तरफ से काबिल नहीं होती। हाँ, आखिरत में उसके ऊपर आपका जरूर जवाबदेही होगी, लेकिन जब आप दीन के दायरा कार के अंदर आते हैं और आप अपने साथी को जब कोई नुकसान पहुंचाते हैं, आप जब किसी इंसान को ईजा देते हैं, तो उसके ऊपर आपको फौरी तौर पर पकड़ भी होती है, और जब आप अच्छा करते हैं तो उसके ऊपर आपको फौरी तौर के ऊपर रिवॉर्ड भी मिल जाता है। तो इसलिए दीन और मजहब का एक और बुनियादी फर्क ये है कि दीन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट का, जबकि मजहब के अंदर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं मिलता। ठीक हो गया। सो दिस इज द पॉइंट। अब दिस आपके डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, ये एक पीएचडी स्कॉलर है मिर्ज़ा ताहिर अहमद, तो इनका ये इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि जो इस्लाम को बाकी मजाहिब से डिस्टिंक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये वाहिद दीन है जो कि यूनिवर्सल, यानी कि कुरान करीम सिर्फ जो मुसलमान अरब वालों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तमाम जहानों, तमाम जमानों और तमाम इंसानों के लिए। कुरान करीम का मौजू इंसान है। उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी मजाहिब में और इस्लाम में ये फर्क है कि उनकी कुतुब जो थी, इवन कि अगर आप जितनी भी पहली किताबें वहां पे नाजिल की, उनमें से लोगों ने रदो बदल कर दी, उन्हें जो चीज अपने लिए अच्छी लगी वो उन्होंने पकड़ ली, और जो उनको पसंद आई उसको उन्होंने प्रीवर्ट कर दिया। या अगर हम पहले मजाहिब की बात करते हैं इवन, तो इस्लाम हर एक शोबाई जिंदगी की बात करता है, पहले आने वाले नबी और पैगम्बर उस उम्मत के अंदर किसी एक खराफात के खिलाफ लड़ रहे थे, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर पूरे का पूरा एक पैकेज मिलता है। इसीलिए हमारे पास ये जो मजहब है या जो इस्लाम है, ये इटर्नल रिलीजन, अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन चुन लिया, अब हमेशा के लिए चुन लिया, इसके अंदर कोई टाइम स्पैन नहीं। और इसकी डिस्टिंक्शन ये है कि इटर्नल रिलीजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अगर हम किताब की बात करें तो कुरान करीम की, उसका जो सेफ गार्ड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले भी जितनी आसमानी कुतुब आई वो आपको ओरिजिनल हालत में नजर नहीं आई। नोडेल्की अब एक रिसर्चर है और वो ये कहता है कि जेर जबर या कोई आपके पास प्रिंटिंग एरर हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुरान करीम यानी कि जो उस्मान का कुरान है, इसने कहा होली कुरान आप उस्मान, क्योंकि उस्मान के दौर में इसको कंपाइल किया गया, इसके अंदर सब जो चीजें हैं वो इतनी जेन्युइन है कि आप उनको पढ़ते हुए हैरान हो जाए। यूरोप के जो लोग हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो बाद में इसमें कुछ नई चीज ढूंढ सके, कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो बाद में ऐड हुआ, लेकिन वो फेल, क्योंकि कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा रब ने खुद लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कंप्लीट रिलीजन है, ये सिर्फ आपको इबादत के तरीकेकार के ऊपर नहीं बताएगा, ये यहाँ पे आपको एक इंसान की इंडिविजुअल से लेकर कलेक्टिव लाइफ, शौहर और बीवी से लेकर माँ बाप बहन भाई, निकाह से लेकर तलाक, विरासत से लेकर मेहर, तमाम चीजों के ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। और फिर ज़कात वर्सेस इंटरेस्ट, इस्लाम का जो हमारे पास मुआशी निज़ाम है, हम जब इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे उसको ज़कात के साथ लिंक करेंगे, तो इसके अंदर इस्लाम किसी भी किस्म की सूदखोरी या इंटरेस्ट को जो है वो मना करता है। और इस्लाम ये कहता है कि हमारे पास जो मेन मोटिव फोर्स है मार्केट जिसके बेसिस के ऊपर चलेगी वो ज़कात है, और ज़कात देने का बुनियादी हमारे पास अमल ये है कि जब आप लोग जब किसी को मदद की, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वे कि ये एक सोशल हार्मनी, एक इंसान जब बिना अपनी माल में से जो कि एक बेशक उसको बड़ा प्यारा होता है और उसका एक हिस्सा किसी ऐसे शख्स को देता है कि जो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता, ये माशरे के अंदर हार्मनी का जरिया भी बनता है। उसके बाद इस्लाम तब जितने भी सियासी आपके मामला हैं उनमें भी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कुरान करीम में ये कहा गया है कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जिंदगी उनके माल की लाजमी तौर पर हिफाजत करे, और हुक्मरान के लिए लाजिम है कि वो लोगों के दरमियान अगर फैसला करे वो सिर्फ एक बुनियाद पर करे, और वो है इंसाफ। और इस्लाम इंसाफ की बालादस्ती की, आपको किसी और जगह पे इतना इंसाफ का प्रचार नजर नहीं आएगा जितना इस्लाम पे नजर आएगा। इस्लाम कहता है कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ की बेसिस पर करो। और सबसे बड़ी चीज ये है इस्लाम अमन का दीन। जब हम प्रॉफिट को आगे पढ़ेंगे और हम प्रॉफिट एज अ पीस मेकर की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पीस है वो इस्लाम के जरिए है। So this is the point कि जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना। अब यहाँ तक हमारे पास जो इसकी थोड़ी सी अगर फ्लैशबैक्स लें, क्योंकि आपने बेसिस पढ़ी है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, किन किन चीजों को आप इन फोकस कर रहे होते हैं, उसके बाद इस्लाम की जो अगर हम देखें बतौर दीन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
दीन और मजहब का एक फर्क क्या होता है, एंड देन हम इसके अंदर एक और चीज जो हमने पर्टिकुलरली डिस्कस की है वो हमने ये देखा है कि इसमें हम किन किन और फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो अब हमारे पास सेक्शन नंबर वन का, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल टॉपिक ऑफ सेक्शन नंबर वन। मैं फिर इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन बताती हूँ जो कि सीएसएस के पास पेपर में आया है, क्योंकि अगर हम जीपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखें तो उसके अंदर एक स्टाइल उसने बड़ा अडॉप्ट किया है, और वो स्टाइल ये है कि वो सीएसएस के पेपर्स को फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पे जब हम सीएसएस के पेपर्स को फॉलो करते हैं तो इसमें प्राइमरीली हम जिस चीज को देख रहे होते हैं वो ये होती है कि अब आपने इसके अंदर जिस चीज को इनकॉर्पोरेट करना है वो ये करना है कि हमने इसमें इन फीचर्स को देखना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट टाइम हम अगर देखें 2019 का पेपर हो या 2021 का पेपर हो, तो उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है बेसिक बिलीव्स में से एक क्वेश्चन आया हुआ है तौहीद के ऊपर कि भाई तौहीद से क्या मुराद है, और उसके बाद तौहीद के जो इम्पैक्ट्स हैं वो कौन कौन से। फिर उसके बाद 21 में वो आपसे डे ऑफ जजमेंट के बारे में बात करता है, और वो ये कहता है कि डे ऑफ जजमेंट का क्या इम्पैक्ट है। इसका मतलब ये है कि इसमें से मेन हम ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, और पीएमएस के अंदर जो आया है वो मैंने आपको बता दिया। सो जब हम आगे बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस्लामिक बिलीव्स एंड वर्शिप्स की, एंड उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस, बाकी हम बाद में बात करते हैं। इस्लामिक बिलीव्स एंड वर्शिप्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे जो बिलीव्स हैं आप बचपन से पढ़ते आए हैं, आप वन क्लास में भी अगर किताब खोले तो उसमें सबसे पहले यही होता है कि तौहीद है, रिसालत है, फरिश्तों पे ईमान है, आखिरत के ऊपर है। इसी तरह अगर हम इबादात की बात करते हैं तो उसमें नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है। तो सबसे पहली चीज है तौहीद कि रब एक है और उसी के खुद मुख्तारियत है, और ये इस्लाम के अंदर आपका पहला पिलर है। सूरह इख़लास इसके अंदर आप कोट कर सकते हैं कि वो अल्लाह एक है और वो हमेशा रहने वाला है, ना उसने किसी को पैदा किया ना कोई उससे पैदा हुआ, और जमीनों आसमान का वो मालिक है, ना उसके कोई बच्चे हैं ना बीवी है, और उसने हर चीज इसलिए पैदा की कि वो उसकी इबादत करे। तो ये तौहीद के ऊपर बहुत जमी हुई बात है कि रब एक है और रब की कोई शराकत दारी नहीं है। अब तौहीद की मुख्तलिफ अकसाम है। पहली किस्म है तौहीद अर-रुबूबिया कि रब अपनी लीडरशिप के अंदर या लॉर्डशिप के अंदर एक है। उसके बाद तौहीद अल-अस्मा वस्सिफात कि रब ताला अपने नाम और अपनी सिफात, वो रज़ाक है, वो गफूर है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो अपने नाम और अपनी सिफात के अंदर भी एक, यानी कि रब जो है वो अपने उसकी अगर हम यूनिटी की बात करें तो वो एक है। और तौहीद अल इबादत की अगर हम बात करें तो इबादत के अंदर भी वो यकता है, उसी को जचता है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी और को ये नहीं जचता कि वो उसकी इबादत है। देन हम आगे देखते हैं, सबसे पहले हम कलमा की बात करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की नहीं कोई लायक इबादत के सिवाय अल्लाह के, इसको आप कोट कर सकते हैं और ये आपकी तौहीद के अंदर आ जाएगा। मैंने ये किया कि सबसे पहले आपके बिलीव्स पहले लिख लिए और उसके बाद इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो इकट्ठे कर लिए। अब फेथ इन प्रॉफिट्स की बात करें तो दूसरा हमारा जो बिलीफ है वो ये है कि हजरत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी और पैगंबर आए उन पर आप ईमान लाएं, और इस चीज का ईमान के साथ ये भी कहना जरूरी है कि नबी करीम जो है वो खातमुन्नबी जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जितने भी नबी आए वो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम रसा है, और अल्लाह ताला ने यही कहा कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने खातमुन्नबीयीन बना के भेजा। ये बेसिस है इसकी। आगे हम देखें तो उसके बाद बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ कि मौत के बाद एक जिंदगी है कि जब तमाम चीजें वैनिश हो जाएंगी और आखिर के दिन तमाम लोग अपने रब के सामने पेश होंगे, इसीलिए अल्लाह ताला कहता है कि ऐ रूह अपने रब की तरफ वापस जा, खुश होकर जा, उसको खुश कर ताकि उसकी जन्नत के बागों में उठाई जा। और मौत इस दुनियावी जिंदगी का खात्मा है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, ज़ायका बड़ा वक्ती होता है, उसके बाद की जो जिंदगी है वो लाइफ आफ्टर डेथ एक अटल चीज है। और फिर उसके दिन जो डे ऑफ जजमेंट है उस दिन तमाम लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे, जब इंसान के अजाब बात करेंगे, जब आंखें कहेंगी हमने ये देखा, जब कान कहेंगे हमने ये सुना। तो ये हमारे वो बेसिक बिलीव्स हैं। और ये अब सवाल आया हुआ था 2021 में एंड ऑफ वर्ल्ड जजमेंट डे का, और 19 में जो सवाल आया हुआ था वो तौहीद के ऊपर आया हुआ था। अब जो भी सवाल आ जाए आपने उसकी बेसिस ये लिखनी है, और उसके बाद आगे आपने इम्पैक्ट्स लिखने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को उनकी कब्रों से जो है वो निकाल के डे ऑफ जजमेंट यानी कि जब आखिरत का बड़ा दिन होगा तो अपने सामने पेश करेगा। और अल्लाह ताला ये कहता है कि आज ये नहीं सोचते कि ये अपने रब के सामने उस बड़े दिन पेश होंगे जिस दिन दुनिया के तमाम लोग जो दुनियावी खुदा है उस रब के सामने खड़े होंगे कि जो तमाम जहानों का रब। और अल्लाह ताला ये कहता है कि बेशक दूसरी दफा बनाना मेरे लिए पहली दफा बनाने से ज्यादा आसान, और मैं तो हाथों के पोरों तक बनाने के ऊपर कादिर, ये जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं जिनको आप कहते हैं कि आपके आइडेंटिटी मार्क्स। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ए अब्दुल मतलब के बेटो, कभी भी जो गार्ड है या जो हिफाजत पर मामूर लोग होते हैं उन लोगों के साथ झूठ नहीं बोलते कि वो जिनकी हिफाजत कर रहे होते, तो रब की कसम तुम मर जाओगे जिस तरह तुम नींद में जाते हो और तुम उठाई जाओगे इसी तरह जिस तरह तुम नींद से उठाए जाते हो।
तो ये आपका जो सवाल आता है ना उसमें पांच नंबर की वो बेसिक पूछ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड डे ऑफ जजमेंट, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम तौहीद। उसमें आप इतना लिख लें तो वो काफी होता है। मेनली हम आगे जो बात करेंगे यानी कि जो आपको इम्पैक्ट की वो बड़ी जरूरी है। जिहाद हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो अ बेसिक पिलर, कि जिहाद से मुराद जो होता है कि कोशिश करना अमन के लिए, अवाम की फलाह के लिए। और जिहाद को माशरे के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट किया। अगर आप हुक्मरान को देखें तो उसके नजदीक जिहाद जी होगी कि हमने मुल्क की बाउंड्रीज बढ़ानी है। अगर सूफियों को देखें तो उनका अपनी ख्वाहिशात को मारने का नाम जिहाद है। अगर हम जो थियोलॉजन क्लास है यानी कि जो उलमा है उनके नजदीक जिहाद ये है कि शरीयत का निज़ाम नाफिज हो जाए। तो कुरान करीम ये कहता है कि वो लोग जो ईमान लाए वो रब की राह में लड़ते हैं, और वो लोग जो ईमान नहीं लाए वो शैतान या ताऊत की राह में। लेकिन अब हमारे पास ये क्वेश्चन हम कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में पढ़ेंगे कि जिहाद को जो मिस इंटरप्रेट किया गया टेररिज्म के साथ, हालांकि इस्लाम में वाज़ह अल्फाज में ये चीज मौजूद है कि ताकत का जोर जो है वो इस्लाम में आप नहीं कर सकते। और कुरान करीम में ये वाज़ह अल्फाज में कहा गया कि यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और दुनिया इस चीज को जो मिस इंटरप्रेट करी है कि शायद जिहाद को टेररिज्म के जरिए हम इस्लाम की तरफ लोगों को जबरदस्ती ला रहे हैं। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी, आपके पास कोई भी बिलीफ आए आपने उसके इम्पैक्ट लिखने हैं, जिस तरह की हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल इम्पैक्ट है। अब तौहीद हो, आखिरत के दिन पे हो, रिसालत पे हो, किसी भी चीज पे हो, इम्पैक्ट सबके सेम। ये आपके लिए बड़ी कम हो जाएगी एफर्ट कि आप सिर्फ इन इम्पैक्ट्स को देख लें तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान के ऊपर इम्पैक्ट ये है कि जब आप तौहीद की दौलत से मालामाल होते हैं तो ईमान की जो ताकत है वो आपको बहुत ज्यादा मुस्तहकम कर देती है, फर्म कर देती है, आपके अंदर सच्चाई आ जाती है। आप ये कहते हैं कि जब उस रब के सामने जवाबदेह होना है तो फिर दुनिया के खुदाओं का क्या डर। और माशरे के अंदर एक बहुत खूबसूरत जो है वो एटमोसफेयर पैदा होता है कि सोशल हार्मनी होती है, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो ईमान की ताकत के साथ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और इंसान के अंदर जो पीस और लव है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है। जब हम इंडिविजुअल पीस एंड लव की बात करते हैं तो उसके से मुराद ये होती है कि इस्लाम का एक खासा है कि जो उम्मत का तसव्वुर है जिसमें तमाम लोग आपस में भाई भाई हैं। तो जब हम उम्मत के खासे के साथ बात करते हैं और उम्मत के तसव्वुर के तहत हम लोगों को करीब लाने की बात करते हैं तो ये अमन और मोहब्बत का एक जरिया है। उसके साथ साथ जब रब एक है और उसके सामने जवाबदेही होनी है और आखिरत के दिन जब उसके सामने पेश होना है तो जो डर है, और ये डर इसलिए है कि भाई अब उसकी हदों को नहीं क्रॉस करना, वो भी हमारे दिलों में मौजूद होता है। और इंसान अपने अमाल के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, वो जो काम करता है वो देखता है कि भाई अब इसके ऊपर मेरी जवाबदेही होगी। और एक बड़ा स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है कि जब आप अकीदे की जद में आते हैं तो आप ये कहते हैं कि हम अब प्योर हो गए हैं, कि बहुत सारे लोग ये चीज स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपने रब के करीब हो गए। अब जो भी आए आपने ये इम्पैक्ट डाल देने, और कलेक्टिव इम्पैक्ट में ये है कि तौहीद की ताकत एक ऐसी ताकत है जो माशरे को जोड़ती है। जब एक रब की हम मखलूक हैं तो फिर हम तमाम लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद माशरे की बुराइयां कम हो जाती हैं, क्योंकि इंसान को जब पता होता है कि मैंने जवाबदेही रब को देनी है तो फिर करप्शन, नेपोटिज्म, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। माशरे में कानून की बालादस्ती होती है और एक बहुत मुस्तहकम माशरा। उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये दिन और रात का तगैर तबदल, अच्छाई और बुराई के तसव्वुर, ये ऐसी चीजें हैं कि जो अगर आप इस्लाम के दायरा कार में दरकार बंद है तो इस माशरे के अंदर ये चीजें आपको रब के और करीब कर दें। अंग्रेज शायद इस दिन और रात के तगैर तबदल को इस तरह न समझ सके कि जिस तरह आप समझते हैं, क्योंकि आपकी जो तौहीद का मेन एलिमेंट है कि जिसके जरिए आप इस चीज पर ईमान लाए हैं कि रब एक है, वो हर चीज का मालिक खालिक है और मुझे उसी के सामने जवाबदेही देनी है, तो फिर ये मखलूक, ये चरिंग, ये परिंद, ये दिन, ये रात, ये तमाम चीजें उसी की खालिक है, उसी खालिक की बनाई। ठीक हो गया। अच्छा एक काम प्लीज आप लोग रीड कीज कर दीजिएगा, दिस इज अ वर्क फॉर यू, कि आप लोग यहाँ पे जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं जिसमें आप देखते हैं नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है, इनकी बेसिस पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये पढ़िएगा कि नमाज कब फर्ज हुई, नमाज की कौन सी अकसाम होती है, नमाज कसूफ क्या है, नमाज कसूफ क्या है, अच्छा रोजा जो है उसकी फर्जियत क्या है, हज है तो हज के कौन कौन से अरकान होते हैं, जकात है तो जकात किन लोगों को दी जाती है, जकात का निसाब क्या है, हज की कौन सी एग्जाम है। ये वो बेसिस है कि जिनका आपके पास एक वन पेपर होना चाहिए, क्योंकि ये वो तमाम चीजें हैं कि जो आपकी एक कलेक्टिवली आपको हेल्प आउट करेंगे। और वर्शिप्स क्या होती है, वर्शिप से मुराद ये होती है कि वो तमाम की तमाम इबादात की जो इंसान अपने अमल से करता है जाहिरी और बातनी जरिए से, उसको हम वर्शिप्स कहते हैं। अब नमाज, रोजा, जकात, हज की बेसिस आप पढ़ेंगे, मैं इसके आपको इम्पैक्ट बताऊंगी। इम्पैक्ट अगर हम कहते हैं तो जब आप दुनिया जान के तमाम काम छोड़ के अपने रब के सामने जाकर खड़े होते हैं तो ये रब के एक होने की दलील देता है।
और इंसान नमाज के जरिए अपने रब की रहमत के साए में आता है। वजू के अमल से अगर हम चीजों को देखना शुरू कर दें तो वो जिस्म की पाकीजगी है। नमाज मुकर्रम वक्त में फर्ज की गई तो इसलिए इंसान के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वक्त की पाबंदी है। उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज मौजूद है कि जब आप सजदे में जाते हैं तो आपकी दिमाग की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो शायद पूरे दिन में नहीं होती, तो ये सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप नमाज बाजमात की बात करें तो वहां पे सब के दौरान अगर आप सफे क्रॉस नहीं कर रहे, लोगों को आप जगह दे रही है, आप किसी बूढ़े को वहां पे सहारा दे रहे हैं, तो ये इंसानियत की मेराज भी है। उसके साथ इंसान की रूह की पाकीजगी हो जाती है जब वो अपने रब के सामने इस चीज का इकरार करता है कि बेशक तू ही मेरा रब है, और जब वो उससे रहमत और मगफरत की बीत बांटता है अपने लिए और अपने से पहले गए हुए लोगों के लिए, तो इसके जरिए वो बड़ा कॉन्शियस भी हो जाता है। और खास तौर पे जब वो देख रहा है कि मैं कौन सी रकत पे हूँ तो वो कॉन्शियसनेस उसकी जिंदगी में भी शामिल हो जाता है। तो ये नमाज के इम्पैक्ट्स हैं। उसके बाद जब हम रोजे की बात करते हैं तो हरमन हैसी की कोट है कि अगर इंसान के पास खाने को कुछ ना हो तो उसके लिए बेहतरीन चीज है कि वो रोजा रखे। और इवन के कुरान करीम में भी ये चीज शामिल है, और जो आपके फॉरन ऑथर्स हैं उनको भी ये कहना है कि नमाज और रोजे के जरिए रब इंसान को जवाब देता है, सुनता है। अब रोजे के जरिए आप दुनिया की तमाम नेमतें आपके सामने मौजूद है लेकिन आप उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे, इसके जरिए तकवा जो है वो इंसान के दिल में पैदा होता है। उसके बाद जब आप अपनी भूख बर्दाश्त करते हैं और उसके साथ दूसरों के मिजाज को भी, तो टॉलरेंस आती है, उसके साथ सब्र आता है। और पूरी मुस्लिम उम्मत जब एक ही प्रैक्टिस से गुजर रही होती है तो उसके जरिए वो यूनिटी पैदा होती है, वो एक दूसरे के करीब हो जाती है। और सेहत के लिए इस तरह इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुत सारे लोग जिन्होंने स्टडी की है कि अगर हम अपने जिस्म को 16 से 18 घंटे तक साल में 30 दिन तक कुछ ना दें और खाली रखें अपने मेदे को, तो हमारे जिस्म में कुछ ऐसे सेल होते हैं कि जो कैंसर कॉजिंग होते हैं उनकी अपनी ही मौत वो खुद मर जाते हैं अगर हम इस प्रैक्टिस को फॉलो करें। ज़कात अकीम सलावात, ज़कात के जरिए आपका माल पाक होता है। जिंदगी में कामयाबी उस वक्त हासिल होती है जब आप देने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। पैसे का जब सर्कुलेशन होती है तो आपके माशरे के अंदर गुर्बत का खात्मा होता है, जखीरा अंदोजी नहीं होती, और जब एक देने वाला हाथ देने वाले हाथ को पता नहीं लगने देता तो वो जो मुस्लिम बरादराना ताल्लुक है वो बहुत मुस्तहकम। लास्ट मैनेज हज, हज का मतलब है कि अल्लाह ताला के घर की जो है विजिट करने की तरफ ख्वाहिश करना। और कुरान करीम में ये कहा गया है कि रब के घर कहा जो लोगों के ऊपर फर्ज है कि जिसकी इस्तेआत रखे। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, हम ये समझते हैं कि शायद इस्तेआत से मुराद आज जहाज का टिकट है। अगर आप बैक सेंचुरीज जाके देखें तो उस वक्त इस्तेआत से मुराद ये थी कि जो अपनी सेहत की इस्तेआत रखता हो कि वो चल सकता हो और वहां पे अरकान पूरे कर सकता हो। अब जब आप दुनिया की तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को छोड़ के हज करने के लिए मक्का मदीना की जानिब जाते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि आप रब के एक होने को मान रहे हैं और आप रब के घर की तरफ जा रहे हैं। इंसान का रूह पाक हो जाती है, कुर्बानी का जज्बा प्रिवेल करता है क्योंकि वहां पे आप ना सिर्फ जानवर की कुर्बानी कर रहे होते हैं बल्कि और बहुत सारे बुरे अमाल को भी वहीं फेंक के आ जाते हैं। उसके बाद तमाम उम्मत जो है वो वहां पे मैदान अरफात में एक लिबास पहने हुए यक ज़बान जब अल्लाहुम्मा ला बैक कहती है तो वो लोगों के दरमियान एक मोहब्बत और यूनिटी का बॉन्ड जो है वो बन जाता है। और हज के अंदर इंसान तमाम वो गुड डीड्स करता है, वो तमाम अच्छे अमाल करता है कि जो उसको जचते हैं, और वहां पे कोई अगर आप किसी को कोनी भी नहीं मार सकते, किसी को ईजा नहीं पहुंचा सकते। पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हज की, हज मुस्लिम उम्मत को इकट्ठा करने का एक जरिया है, मुस्लिम बरादराना ताल्लुक इसके साथ उजागर होते हैं। जब हज की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो उसमें मुख्तलिफ मुमालिक एक दूसरे के करीब आते हैं, अपने इश्यूज को डिस्कस करते हैं। साला साल मीटिंग्स के जरिए जो अवेयरनेस फैलाई जाती है ये हज का ही खासा है। उसके बाद इकॉनमी, अगर आप देखें तो जो हमारी टूरिस्ट जो इकॉनमी है या जिसके अंदर आप ये ईरान, इराक और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज्यादा इसके जरिए कमाते हैं। कुछ स्टैट्स के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली $350 बिलियन की इकॉनमी है हज की। और आपकी जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट है वो अपने बजट के अंदर भी खास तौर पर इंटरेस्ट को एलोकेट करती है। तो एक तो टेक्निकल नॉलेज की एनहांसमेंट होती है, फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। अगर आप उस खजूर पानी और उस कपड़े का हिसाब कर लें तो वो जानवर जो वहां पे कुर्बान होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। ट्रेड एंड कॉमर्स के वहां, कॉमर्स के वहां पे जो है वो नए नए मौके मिलते हैं। और आपकी गवर्नमेंट पूरी पॉलिसीज बनाती है, उनको फॉरन एड मिलती है कि हाजियों को आप यहाँ पे रखिए, आप उनको उस होटल में जो है वो सस्टेन करवाए। तो इस तरह इसके इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी है। कलेक्टिवली ये है कि ये एक इबादत है और ये तमाम इबादतों की माँ समझा जाता है क्योंकि इसमें तमाम इबादतें शामिल हैं। ये इंसान के ईमान को तरोताजा करने और उसके लिए एक बहुत रूहानी जज्बा है। ये बराबरी के ऊपर बेस करता है और इसके जरिए आप क्या करते हैं कि तमाम की तमाम उम्मत यूनिफाई होती है और ये उम्मत को यूनिफाई करने का एक बेहतरीन तरीका और जरिया है। सोशल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं कि माशरे के अंदर अगर हम देखें कि भाई
आपके माशरे के लिए इसके ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले एक बंदा जो था वो व्हाइट और ब्लैक अमेरिकन की, आपको जंग पता है कि व्हाइट अमेरिकन को जो है वो बहुत ज्यादा सुप्रमसी दी जाती है और ब्लैक अमेरिकन जो है आपको नहीं पूछा जाता। तो जो ब्लैक अमेरिकन है उनके हालात बहुत खस्ता थे, उनके हालात बेहतर करने के लिए एक शख्स जिस तरह ह्यूमन राइट एडवोकेट होते हैं वो लड़ना शुरू हुआ। अब उसने ये देखा और जब उसने हज का मंजर देखा तो उसने कहा कि हमारे तमाम मसाइल का हल इधर मौजूद है, क्योंकि प्रोफेसर डीके हिटी ये कहते हैं कि जो इसका सोशलाइजिंग इम्पैक्ट है, लोगों को करीब लाने की जो इसकी एफर्ट है, आप उसको ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये गोरे काले चाइनीज नेग्रस पर्शियन गरीब अमीर मखमल पे सोने वाले टाट पे सोने वाले पत्थरों पे रहने वाले तमाम लोगों को एक से मौके देता है और ये उनको ईमान के जज्बे से जो सरशार करता है और जो मुस्लिम उम्मत का या बरादराना तसव्वुर वहां पे आपको मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। वो जो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज या फिर वो आपको, आप खुद देखिए कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है आप चल के आए हैं या फिर आप जो है वो लग्जरियस क्लास में बैठ के आए हैं, वहां पे वो एक ही कपड़ा है और एक ही लिबास है और उसका एक ही रंग है और वहां पे फिर एक ही वो जमीन है और आपकी जबान से एक ही लफ्ज निकल रहा है। तो यहाँ पे दुनिया में इक्वालिटी की शायद भी आपको कहीं और मिसाल मिले जहाँ जो आपको वहां पे मैदान अरफात में। सो दिस इज द पॉइंट जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना था। सो अब इसके साथ हमारा सेक्शन नंबर वन कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन नंबर वन की यही बेसिस चीजें हैं कि जिसमें हम बेसिस ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, दीन और मजहब के फर्क के ऊपर बात करते हैं, अलॉन्ग विद हम ये देखते हैं कि आपकी बिलीफ्स कौन से हैं, वर्शिप्स कौन सी हैं, दीन और मजहब का फर्क कौन सा। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक आपका दीन और मजहब का फर्क और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ दीन क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी बिलीफ्स और वर्शिप का इंपैक्ट है। ठीक है, अब जिस तरह उसने हज के बारे में पूछा हुआ था 2019 के सवाल में, ज़कात के बारे में उसने अभी पूछ लिया, तौहीद के बारे में उसने पूछा, डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछा, तो इसको आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर। तो अभी आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर। अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, आप लोग अपने हैंड रेज करें तो जो आपके सवाल है वो हम पूछते हैं, क्योंकि इम्तियाज इज ऑलरेडी हेयर और उसके बाद जो है वो आपके इम्तियाज के साथ क्लास है। सुल्तान आप बताइएगा। मैडम अगर हमें पेपर में आ जाए कि क्वेश्चन अरकान इस्लाम के इज्तमाई और इंफरादी जिंदगी पे असरात लिखें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम उसमें हर एक का नमाज के अलग करके लिखें, रोजा के अलग, जकात और सब के अलग लिखें, या इज्तमाई उनके कुछ वो लिखें फायदे लिखें, क्या किस तरह लिखना है इसको? आप पहले सबको बताएं जिस तरह आप स्लाइड में था ना, पहले आप सबको बताएं, पहले नमाज को बताएं, नमाज की फर्जियत बताएं, नमाज की अहमियत बताएं, जकात बताएं, हज बताएं, रोजा बताएं, और फिर आप कलेक्टिवली उनके इम्पैक्ट बता दें, उनके इकट्ठे करके बता दें, क्योंकि इस तरह फिर आपका काफी वो डिटेल हो जाएगा। तो आप इसको कलेक्टिवली आंसर करें। जी साजिद आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने जो हाफिज करीम दास चौधरी साहब है उनकी इस्लामियात की बुक ली हुई है, तो उस बारे में आपकी रिव्यू क्या है इस सब्जेक्ट के लिए? थैंक यू। हाफिज करीम दास साहब की प्लीज फिर बताइएगा, आपने क्या कहा हाफिज करीम दास साहब की किताब ली हुई आपने? यस मैम, हाफिज करीम दास चौधरी। अच्छा, हाफिज करीम दास साहब की किताब इज अ गुड बुक, लेकिन बहुत एक्सटेंसिव बुक है, हमारे पास टाइम कम है, उस किताब में से आपने सारी चीजें नहीं पढ़नी, बस एक ओवरव्यू थोड़ा सा ले लीजिए, अगर आप उसे पढ़ने लगेंगे तो वो बड़ी लंबी किताब है। तो इसलिए आप ये करें कि बस आप इन चीजों को, मैं आपको जो स्लाइड्स दी है तो मेरा बुनियादी मकसद ये था कि टाइम कम है तो आप इसको अगर गो थ्रू कर लें तो आपकी सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो गई, और बाकी भी आपने सब्जेक्ट्स करने हैं तो आप उसकी इतनी ज्यादा डिटेल में ना जाए, बस वैसे इट्स अ गुड बुक। आप उसकी चैप्टर के पहले वाली आउटलाइन और उसके अंदर जो रेफरेंसेस है उनको एक दफा देख लें, सिर्फ हेडर्स उनको गो थ्रू करें, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी फरीद, ये काफी बड़ी किताब है, अब ये देखिए ना, इट्स दैट मच ह्यूज बुक, तो इसमें से आपके लिए बहुत सारी चीजें शायद करना मुश्किल हो जाए। जी फरीद। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा कि हर सवाल के साथ आयत और हदीस का रेफरेंस जरूर दें, अगर कहीं पे हम भूल जाएं या ना मिले रेफरेंस कुरान हदीस का तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे वहाँ पे? नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, आप ये है कि भूल नहीं सकते तो आप रिलेट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी आयात होती है कि जो आप डेली बेसिस के ऊपर उनको यूज करें तो उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप उसको रिलेट करके ऐड कर दें, कोई रेफरेंस ऐड कर दें, जरूरी नहीं है कि आपको वही चीजें ऐड करनी है कि जो वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सो देयर इज दैट नो नीड टू वरी अबाउट कि अगर भूल जाएगा तो नंबर कट जाएंगे। कुछ लोग अगर आप देखिए तो इस्लामियात के हवाले से कुछ लोग बिल्कुल कोई आयत और हदीस कोट नहीं करते, बट दे गॉट गुड मार्क्स, तो इसलिए इसमें परेशानी की बात नहीं। जी नादिया।
अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम मेरा सवाल ये था कि आपने एट द बिगनिंग ये कहा कि आउटलाइन हमने देनी है क्वेश्चंस के, तो वो आउटलाइन जो है वो हमने पेपर के ऊपर ही मेंशन करने हैं या फिर हमने रफली या अपने माइंड में वो आउटलाइंस बनाने हैं? रफली आप ये कर लीजिए कि एंड के ऊपर पॉइंट्स लिख लीजिए, लेकिन आपने आउटलाइन लाजमी बनानी है. फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन जब लिख रहे हैं तो क्वेश्चन के बदले आपने एक से डेढ़ सफे के वो मेन पॉइंट्स आउटलाइन बनाने हैं, फिर उसके आगे उसी को एलैबोरेट कर. ठीक है जी शाइन, थैंक यू सो मच. चले आसिफ आप पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, इस्लाम के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है या इस्लाम को कंपेयर करें बाकी रिलीजन्स के साथ, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, ये मैं उधर सब हेडिंग दूंगा. फिर उस सब हेडिंग में मैं एक्सप्लेन करूंगा इस्लाम एक रिलीजन ऑफ पीस है, लेकिन इसका सबूत भी कुरान में है, लेकिन बाकियों की इस तरह नहीं मिलते. यानी मैं इस तरह कर सकता हूँ या एक साइड पे मैं हिंदुइज्म देखूं और एक साइड पे ओके. मैम दूसरा क्वेश्चन है मैम, जब इम्पैक्ट ऑफ कोई भी ये जो वर्शिप्स आते हैं इम्पैक्ट उनके, तो इम्पैक्ट में हम उसको नेशनल ग्लोबल लेवल पे करके कर सकते हैं? यानी अगर वो पूछते हैं इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल, आप पहले इंडिविजुअल, आप पहले एक इंसान की जिंदगी पे करें, माशरे पे करें, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल पे जाएं. आप ये हायरार्की मेंटेन करें. ठीक है ओके मैम, थैंक यू मैम. ठीक है अच्छा, इसके बाद इम्तियाज की बारी आ गई है. खैरो जी मैडम, मेरी क्लास है 4 बजे, अगर आप क्वेश्चन से फारिग हो जाएं तो मुझे हॉस्ट बना दीजिएगा, फिर आज मेरी क्लास. चलो मैं बना देती हूँ, 4 हो गए हैं. ठीक है इम्तियाज, ये लो हॉस्ट बन जाएं जी आप. बिल्कुल थैंक यू. आप क्वेश्चन जो क्वेश्चन सभी है ना वो आप आंसर करें, उसके बाद फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह. चलो ये लंका और कुछ हमारे लाइक. चलें जी, जी शाहीन आप बात करें. अच्छा वैसे अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर एड्रेस, ये आपके जनरली क्वेश्चंस हैं. बाकी आप लोग ये है कि नेक्स्ट टाइम हम जब अपना नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो उसमें बात कर लेंगे. आपकी कोई भी इशू हो बहुत ज्यादा अगर पर्टिनेंट तो आप उसकी बात कर सकते हैं. और नाउ इट्स ऑलरेडी 4 एंड ओवर टू इम्तियाज. थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग यू. चैलेंज जी इम्तियाज. ठीक है जी, एंड अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी फ्रॉम माय साइड. थैंक यू मैम, थैंक यू इफ्जा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एम आई ऑडिबल? अगर आप सबको अगर प्रेजेंटेशन नजर आ रही है तो कोई थम्स अप कर लें ताकि मुझे आइडिया हो कि एवरीवन इज ठीक है. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स से है और इसके पर्पस है आप लोगों को सिर्फ मुख्तलिफ टिप्स और ट्रिक्स CCGB के हवाले से आप लोगों को गाइड करना, क्योंकि कंटेंट तो आप लोग खुद पढ़ लेंगे और लेकिन इस लेक्चर का जो मेन पर्पस है उसकी वन साइड ड्यूरिंग आपकी प्रिपरेशन है और सेकेंड साइड इम्तिहान के दौरान है ड्यूरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, आप लोगों को क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है. तो बाकी आप लोग के जो क्वेश्चन है वो जट ऑन करें और आखिर में फिर 10 to 15 minutes में जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, चाहे इस प्रेजेंटेशन के हवाले से हो या कोई जनरल सीसी के हवाले से, फिर हम उनको एड्रेस करेंगे. अच्छा जी आज का मेरा पहला जो कंपोनेंट है मैं जिस पे बात करूंगा वो है
preparing Pakistan or current affairs questions for the CSS or PMS या CCE GB exam. मैंने पाकिस्तान और करंट अफेयर्स को साथ इसलिए लिखा क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान अफेयर्स है उसका पेपर भी सम सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स का दर्जा इख्तियार कर गए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पाकिस्तान अफेयर्स में भी आते हैं वो सम सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं. तो इसकी तैयारी किस तरह होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि हम एक किसी भी कोई इशू है या क्राइसिस है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उसकी हम तैयारी कैसे करें, उस सवाल को किस तरह तैयार करें, उसके मुताबिक हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बेहतर बनाएं, क्रिटिकल एनालिसिस हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, और इसका कंटेंट हम किस तरह गैदर करें. तो ये बड़ा उसकी डायरेक्शन अक्सर एस्पायरेंट्स को नहीं होती, और वो हर CSS qualified या PMS qualified उनसे इस बारे में हवाले से वो सवाल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं. तो आज हम इस चीज पे फोकस करेंगे. हेलो जी, नमस्कार सर. चलें ठीक है, मैं देख लेता. Just give me a second, मैं participants जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं ये जो पार्टिसिपेंट वेटिंग रूम में है उनको अलाउ करूँ, फिर अब लेक्चर कंटिन्यू करूँगा. अच्छा, इसका ऑप्शन कहाँ पे है सर? अच्छा ठीक, अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा. ठीक है ठीक है ठीक. अच्छा जी, तो इस हवाले से हम आज अपना लेक्चर इस पे बेस करेंगे. इसका फ़ायदा मेनली आपको होगा, आप अभी चाहे करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो या पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो, आपने तैयारी जब करने लगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो आपने ये जो आज का लेक्चर है उस पे अगर आप उसी हिसाब से उन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे तो आपका एक तो टाइम भी बच जाएगा, दूसरा आपकी तैयारी एग्ज़ाम के हवाले से अच्छी हो जाएगी, ताकि आपको फिर उसमें एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करना वो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने एक उसकी प्रिपरेशन तैयारी एक वेल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म के साथ की हुई, तो वहाँ पे फिर 30 मिनट्स में आप एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके तमाम एंगल को टच करते हुए. तो सबसे पहला ये कि अंडरस्टैंड द इशू ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर इशू है, अफगान क्राइसिस है, वो उसका प्लेस्टाइन इशू है, वो आपके पास एक इशू है. इसी तरह डोमेस्टिक हमारे उस पर आ जाए, वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, ये सारे इशूज या क्राइसिस है जो पाकिस्तान फेस कर रहे हैं. तो उसको आपने अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज़ द इशू. आपने पहले देखना है कि ये इशू है क्या, ये क्राइसिस
किस चीज के बारे में, उसके बाद आएगा व्हेन, ये फॉर ये वेरी करता है डिफरेंट क्राइसिस और इश्यूज टू इश्यूज पे, क्योंकि व्हेन का फॉर एग्जांपल ये अप्लाई होगा कश्मीर पे, कश्मीर का जो इश्यू है या डिस्प्यूट है वो कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपको वो आइडिया होना चाहिए, वहां से फिर आपने एक लॉजिकल फ्लो में चलना है। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज है जियोग्राफिकल रीजन या एरिया, फॉर एग्जांपल अफगान क्राइसिस है या अफगान का जो आजकल इशू चल रहा है वो किस रीजन में, साउथ एशिया में है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी आना लाजमी है, इसी तरह चैटेंट है वहां पे पीस होना, चाइना का जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सीपेक उसकी सक्सेस के लिए अफगान में पीस लाना लाजमी है, इसी तरह रीजनल एक्टर्स होते हैं, रशिया है पावर्स में, चाइना है, इसी तरह पाकिस्तान एंड इंडिया है, अमेरिका का बड़ा स्टेक है। तो आपने ये दो से तीन पॉइंट में अपने जहन में ये भी बिठाना है बेस्ड ऑन द इशू, जिस इशू पे आप बात कर रहे हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस रीजन में है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो उसके बाद एक्टर्स इन्वॉल्व, एक्टर्स का लफ्ज मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जिनका सब्जेक्ट है वो बेहतर जानते हैं कि स्टेट्स को एक एक्टर कहा जाता है, डिफरेंट एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इसमें एक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल चाइना है, रशिया है, ईरान है, साउथ एशिया में अगर आए तो इंडिया का रोल है, पाकिस्तान का रोल है, यूएस ऑब्वियसली एक एस्टेब्लिश पावर है, तो और इन एक्टर्स को वहां से फायदा क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान अनस्टेबल होगा तो फायदा किसको हो रहा है, इंडिया को होगा, अगर अफगानिस्तान स्टेबल होगा वहां पे पीस एस्टेब्लिश हो गई तो वहां उसका फायदा चाइना और पाकिस्तान को होगा। तो उस किसी भी इशू में चाहे वो इंटरनेशनल हो या रीजनल हो उसमें आपने देखना है कि कितने एक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उसमें किस एक्टर को उस इशू से फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये आपने एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी है। आखिर में रीजन क्या है उस डिस्प्यूट का, उस इशू का, उस क्राइसिस का रीजन क्या है, फॉर एग्जांपल अफगान क्राइसिस का रीजन क्या है और अभी करंट उसका स्टेटस क्या है। तो जब भी आपने किसी भी करंट अफेयर से पाकिस्तान अफेयर्स की सवालात को, चाहे वो डोमेस्टिक इशू हो या इंटरनेशनल इशू हो या पाकिस्तान का रिलेशन हो किसी पावर वर्ल्ड पावर से या नाइबर से, तो आपने इन तीन से चार फैक्टर्स को अपने माइंड में रख के आपने अपने नोट्स बनाने हैं बुलेट फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपको फिर उसको पेपर्स में जब आप रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपको आसानी होगी सोचने में आगे, रीजंस, इम्पैक्ट, उसके रिकमेंडेशंस देने में, उसकी इम्पोर्टेंस में, फिर आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लॉजिकल एक अंडरस्टैंडिंग जब आप बनेगी तो आप उस पर फिर क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड है रीजंस, कंसिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द इशू या क्राइसिस, उस इशू का या क्राइसिस का उसके रीजंस क्या है, उसके पीछे क्या रीजंस थे उस डिस्प्यूट के आने में या उस क्राइसिस के इमर्ज होने में, और उसके बाद उसका कंसिक्वेंसेस क्या है या इम्पैक्ट्स क्या है उस इशू का, वो आपको निकालने के लिए, वो मालूम करने के लिए या उसकी तरफ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए हम आज दो तरीके इस्तेमाल करेंगे, और ये दोनों तरीके आपके ऐसे पेपर के लिए भी हेल्पफुल होगा, इस्लामियात के पेपर के लिए भी हेल्पफुल होगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। पहले को कहते हैं कि हॉरिजेंटल पैरामीटर्स, हॉरिजेंटल पैरामीटर्स में ये आते हैं कि पॉलिटिकल, फॉर एग्जांपल किसी भी इशू के पॉलिटिकल रीजंस क्या है, हम या आप ब्यूरोक्रेसी को देख ले कि ब्यूरोक्रेसी का इशू है, ब्यूरोक्रेसी फंक्शनल सही नहीं कर रहा है, उसकी एक रीजन क्या हो सकती है, पॉलिटिकल रीजन ये हो सकती है कि जो भी गवर्नमेंट आता है उसकी पॉलिटिकल विल नहीं होती है ब्यूरोक्रेसी को
में रिफॉर्म्स लाने की, दैट इज ए पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। और इसी तरह वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस में भी ये इशू आता है, पॉलिटिकल रीजन में वाटर क्राइसिस में ये है कि हम प्रोविंस के आपस में डिस्प्यूट्स होने की वजह से हम डैम्स नहीं बना पा रहे। इसी तरह जो भी पॉलिटिकल पार्टी आता है, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिटिकल विल नहीं होती कि उस इशू को सही मानों में रिजॉल्व करें, तो ये एक पॉलिटिकल रीजन है। तो अगर आपके माइंड में हो कि इन इन बेसिस पे मैं उसके रीजंस, उसके इम्पैक्ट्स चैकआउट कर सकता हूँ या फ्रेम कर सकता हूँ, तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी होगी, एक आपके लिए डायरेक्शन होगी कि इसका पॉलिटिकल रीजन वाटर क्राइसिस के ये है, सोशल रीजन ये है, इकोनॉमिक रीजन ये है, कल्चरल रीजन ये है, इकोलॉजिकल रीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स एक ही इशू पे फिट आए, वेरी करता है। किसी का हो सकता है पॉलिटिकल रीजन ना हो, किसी का हो सकता है सोशल रीजन ना हो, लेकिन अगर ये तीन चार चीज़ें आपके माइंड में हो तो आपके लिए उसके रीजंस, कंसिक्वेंसेस और इम्पैक्ट किसी इशू का वो आपको मालूम करने में या उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल पैरामीटर्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपने किसी भी पेपर में किसी इशू का कोई भी इशू आप सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस का, तो उसके रीजंस अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसको डिफरेंट हेड्स में लिख सकते हैं। पॉलिटिकल रीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एक सोशल रीजन है। पॉलिटिकल रीजन के नीचे आपके दो या तीन हेडिंग्स होंगे। इसी तरह इकोनॉमिक या सोशल या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस में आपके दो से तीन तीन हेडिंग्स होंगे, तो आपके टोटल छः से सात हेडिंग्स हो जाएंगे। तो ये स्पेशली उन क्वेश्चंस के लिए भी हेल्पफुल है जिसमें आपने आपकी तैयारी अच्छी ना हो, क्योंकि उधर ही आपने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो आपको फिर आसानी हो जाएगी कि आपने उस क्वेश्चंस के रीजंस भी बनाने हैं, उसके इम्पैक्ट्स भी लिखने हैं, फिर इन्हीं के बेसिस पे आपने रिकमेंडेशंस भी देने। तो ये पैरामीटर्स हैं, आपने किसी भी इशू के रीजंस, कंसिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट्स को फाइंड आउट करने में। तो अगर आप जब आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस को आप हैंडल कर रहे हैं, अभी तैयार कर रहे हैं, तो आपने उसकी एक पॉलिटिकल रीजन, एक सोशल रीजन, एक इकोनॉमिक रीजन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आप लिख दें, तो चार रीजन आपके हो गए। इसी तरह उसकी इम्पैक्ट आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल इम्पैक्ट, इसी तरह आपके फिर रिकमेंडेशंस जब होंगे तो फिर आप इन्हीं कंसिक्वेंसेस या रीजन के बेसिस पे आप अपने रिकमेंडेशंस या वे फॉरवर्ड आप उसमें देंगे। अच्छा, दूसरा तरीका है वर्टिकल पैरामीटर्स। वर्टिकल पैरामीटर्स कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल से सोसाइटी के लेवल तक, या सोसाइटी से आप ग्लोबल लेवल तक जाने के लिए, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान क्राइसिस है, उसमें आप पैरामीटर्स लिखेंगे तो आप वर्टिकल लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, अफगान क्राइसिस का पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, वो आपकी कंट्री के हेड में आएगा कि अफगान में अगर डिस्टेबिलिटी हो गई तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी डिस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हमारे केपी और बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है वो उनके बॉर्डर अफगानिस्तान का लगता है, तो वहाँ पे अगर पीस नहीं होगी तो फिर ऑटोमेटिकली उसका एक इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पे। इसी तरह चाइना का भी अफगानिस्तान में पीस ना होना का इम्पैक्ट चाइना के ऊपर भी है। तो इसकी वर्टिकल एक ये है कि कंट्री पे, किसी भी एक्टर पे, किसी भी कंट्री पे उसका क्या इम्पैक्ट है, और एक इंडिविजुअल या सोसाइटी या कंट्री लेवल पे भी किसी इशू का रीज़न हो सकता है। इसी तरह नाइबर्स अफगान के केसेस में पाकिस्तान नाइबर्स भी है, चाइना भी नाइबर्स है, ठीक है, तो ये भी एक पैरामीटर है। इसी तरह इंटरनेशनल में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंटरनेशनल में इम्पैक्ट इसका यह होगा कि फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो
वुमेन की राइट्स के हवाले से या ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम कर रही है, ठीक है, तो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसी तरह इंटरनेशनल पे ये इम्पैक्ट हो सकता है कि अफगानिस्तान में किसी कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहां से फिर लोग दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक रिफ्यूज का क्राइसिस भी कहीं पे जन्म दे सकते हैं, तो वो भी एक इंटरनेशनल है। रीजनल के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे पीस हो, अगर पीस नहीं होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह कम्युनिटी के इस पे हम उसको इस इशू पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम वर्ल्ड में आप कंट्रीज में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में कोऑपरेशन नहीं है, तो एक इस्लामिक कम्युनिटी को उसका एक इम्पैक्ट होगा, उसके कंसिक्वेंसेस किसी भी आपस में इस्लामिक कंट्रीज के लड़ने का, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो होल मुस्लिम कम्युनिटी को होगा, तो ये कम्युनिटी के हवाले से। इसी तरह हो सकता है कोई सोसाइटी के लेवल पे भी किसी के कॉजेस या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वाटर का या पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी जो रीज़न आप एक सोसाइटी से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, वो सारी चीज़ें, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें सोशल रीजंस हैं। तो ये वर्टिकल पैरामीटर्स है और ये वेरी करता है इशूज़ टू इशूज़ पे। कोई इशू पे हॉरिजेंटल पैरामीटर काम करेगा, किसी इशू पे वर्टिकल पैरामीटर्स काम करेगा, लेकिन जब भी कोई भी इशू आपके सामने हो तो आपके पास ये पैरामीटर्स आपको जहन में हो तो आप हर पैरामीटर पे अगर एक एक पॉइंट बना लें तो आपका एक 30 मार्क्स से 20 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा है रिकमेंडेशंस, सजेशंस या वे फॉरवर्ड, ये इन्हीं रीजंस और इम्पैक्ट के बेसिस पे हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि वाटर क्राइसिस जन्म देने का एक रीजन ये है भी कि पॉलिटिकल विल नहीं है हमारी कंट्री में कि कोई भी गवर्नमेंट आता है वो इस चीज़ को विलफुली रिजॉल्व करने में नाकाम रहा है, वो चाहते ही नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए, ये आपके रीज़न थे। तो आपका रिकमेंडेशंस फिर क्या होगा, रिकमेंडेशंस आप ये करेंगे कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि वो इसकी जो वाटर क्राइसिस है जो पाकिस्तान फेस कर रहे उसको रिजॉल्व कर सके, वो आपके रिकमेंडेशन हो गए। इसी तरह पॉपुलेशन के हवाले से आपने एक रीज़न दे दिया कि हमारी जो सोसाइटी में लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करना स्टेट के रिसोर्सेज पे, कंट्री के रिसोर्सेज पे कितना इम्पैक्ट करता है, और उनमें एक फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो आपका रिकमेंडेशन क्या होगा, उसी रीज़न पे आप एक रिकमेंडेशन देंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मैसेस में पॉपुलेशन के हवाले से, पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से अवेयरनेस के एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम लाना चाहिए ताकि इस जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री के उसको हम चेक कर सके, रोका जा सके। तो वो आपकी जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके रीजंस पे, जिनके रीजंस हैं वहाँ से आप फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो ये तैयारी के दौरान तीन चार एक चीज़ें हैं जो आप अपने जहन में साथ रख के कोई भी टॉपिक आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह इस पे टाइम भी थोड़ा सा कम लगेगा आप पे, और दूसरा पेपर में फिर आपके लिए बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं हम कंटेंट गैदरिंग के। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बता दिए कि उसके रीजंस किस तरह आपने मालूम करने हैं, किस तरह उनके रीजंस की रीजंस को सेपरेट करना है ताकि आपके लिए आसानी हो कि आप उन चीज़ों को फिर अच्छे से याद कर सकें, और अगर पेपर में कोई अनसीन टॉपिक आ जाता है जिसके ऊपर आपने तैयारी नहीं की हो तो आप इन्हीं फैक्टर्स के बेस पे, इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे आप उसका रीज़न, कंसिक्वेंसेस और इम्पैक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और कॉन्टेंट के हवाले से मैं पहली जो चीज़ है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर क्राइसिस है तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास वाटर स्टोरेज कितने दिन की है, ठीक है, एक महीने की है, तीन महीने की है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह इंडिया
चाइना और यूएस, इनके भी आपको मालूम होने चाहिए उनकी वाटर कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कि अगर वाटर क्राइसिस की शिद्दत अगर इख्तियार कर जाए तो वो ममालिक अपने लोगों को कितने कितने महीने तक या कितने दिनों तक पानी उनके उसमें स्टोरेज में है वो मुहैया कर सकते हैं। इसी तरह इम्पोर्टेंट इवेंट्स, फॉर एग्जांपल अफगान क्राइसिस है, तो अफगान क्राइसिस में आप कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप उस चीज़ का रेफरेंस दे सके। पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व, पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व में ये होगा कि फॉर एग्जांपल चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है और इंडिया है और यूएस है, ठीक है। उनमें अफगान क्राइसिस में जितने भी मीटिंग्स हुए हैं, स्पेशली रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, उन पर्सनैलिटीज का आपको आइडिया होना चाहिए उनका क्या रोल रहा है, उनके क्या कमेंट्स थे इस इशू को लेकर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आप मैप का कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अफगान क्राइसिस है तो आप लाजमी मैप बना लें, मैप बना के उस पर आप मेंशन करें, एक साइड पे चाइना है, पाकिस्तान है जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टर है, ईरान है, तो उससे आपकी एक जो आंसर है उसकी एक तो खूबसूरत होगा और एक ग्राफिकली आप इसको आपकी एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, तो वो फिर एग्जामिनर या पेपर चेकर पे एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। कोटेशन से मतलब मैंने जो पहले भी कहा था कि कोई फॉरेन मिनिस्टर है, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, उसने अगर कोई अफगान क्राइसिस के हवाले से कोई बात की हो, वाटर क्राइसिस के हवाले से बात की हो, तो आप उसको कोट कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकते हैं तो उसको उसका आप क्रक्स लिख सकते हैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमास और उसको ब्लैक पेन में हाईलाइट भी करना और वो आपका एक रेफरेंस काउंट होगा। बाकी रेफरेंसेस आप बुक्स से ले सकते हैं, अगर आपने कोई बुक पढ़ी हो वहाँ पे वाटर क्राइसिस के हवाले से कोई सॉल्यूशन दिया हो तो आप उस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, राइटर का रेफरेंस दे सकते हैं। इसी तरह न्यूज़पेपर्स में आप डेली डाउन न्यूज़ पढ़ते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ते हैं या इंटरनेशनल कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ से अगर आपको कोई किसी राइटर का या उसका आपने पढ़ा हो, कोई भी चीज़ पढ़ा हो, तो वो आप वहाँ से रेफरेंस दे सकता है। मैगजीन्स का भी इसी तरह, रिपोर्ट्स तो वो है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है या पाकिस्तान के डिफरेंट इकोनॉमी के हवाले से स्टेट बैंक की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वहाँ से आप सारी चीज़ें रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये आप किसी भी क्वेश्चन को टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको कंटेंट इन बेसिस पे आपने तैयार करना। चाहिए जो प्रेजेंटेशन में मार्किंग कर रहे हैं, काइंडली आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको लास्ट में उसको एड्रेस करेंगे, तो काइंडली इस चीज़ पे फिर प्रेजेंटेशन पे आप कोई मार्किंग ना करें ताकि बाकी जो व्यूवर्स हैं उनको ये प्रेजेंटेशन नज़र आए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नोट करके रख लें, आखिर में हम इसको एड्रेस कर लेंगे। अच्छा, दूसरा सेगमेंट है आज हमारे लेक्चर का, वो ये है कि कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को आपने आंसर कैसे करना है, उसका मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आपने उसका इंट्रो, फिर बॉडी पैराग्राफ, फिर कंक्लूजन, उनको किस तरह लिखना है, हेडिंग्स किस तरह देने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहले भी मैंने बता दिया कि कोई टॉपिक पढ़ाना हमारा ये मकसद नहीं था, क्योंकि वो आप खुद बुक्स अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। जो बेसिक मकसद है आपको जो एग्ज़ाम में उसको आपने सॉल्व किस तरह करना है, इस बेसिस पे हम आज वो आपको बता देंगे कि ये करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्री पार्टीशन से पाकिस्तान अफेयर से एक टॉपिक आज निकाला है और उसका आपने उसको आंसर किस तरह करना है वो मैंने सर सईद अहमद खान और इसकी कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल प्री पार्टीशन से अगर पाकिस्तान अफेयर्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज पे है और उनकी कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स के हवाले से, उनमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं उस टाइम पे आफ्टर 1857 नॉर्मली उनके ऊपर लाजमी एक ना एक सवाल आता है। और मुझे याद है जब मैंने 2017 में जीबी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दिया था तब
अलीगढ़ या सरसई पे एक क्वेश्चन आया था कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी मुस्लिम में एक एजुकेशनल और पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने में। तो ये तीन चार जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान है और इस तरह जो बाकी तीन चार आपके पास जो फेमस पर्सनैलिटी है शाह वलीउल्लाह है, इन पे आपने लाजमी सवाल तैयार करने हैं क्योंकि प्री पार्टीशन पे मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं पर्सनैलिटीज में से एक सवाल बनेगा। तो अगर शावल सर सैयद अहमद खान और उसकी कंट्रीब्यूशन पे अगर एक सवाल आए तो आपने फिर उसको टैकल किस तरह करना है, उसको पेपर में अटेम्प्ट किस तरह करना है, आज ये इसके ऊपर बात होगी। पहला आपका होगा इंट्रोडक्शन, पहला जो हेडिंग है उसका इंट्रो होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कोटेशन ऐड की है डॉक्टर कल्ब आबिद उसके बुक में मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अच्छा, उसकी ये है कि सर सैयद अहमद खान वॉज अमोंग ए फ्यू लीडर्स प्रोड्यूस्ड बाई मुस्लिम इंडिया हु लाइक मोहम्मद अली जिन्ना मेड अ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन इन गाइडिंग द डेस्टिनीज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, तो अगर आपको सर सैयद के हवाले से या अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से या शाह वलीउल्लाह के हवाले से अगर कोई कोटेशन आपको याद हो किसी भी राइटर का तो आप स्टार्ट उससे करें, वो एक इम्पैक्ट जाएगा, आपका एक इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा, आपका इंट्रो उससे स्टार्ट लें। और फिर इंट्रोडक्शन में आपने तीन से चार सेंटेंसेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, जब 1857 वॉर के बाद ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को जो वॉर के बेसिक कल्प्रिट मान लिया था और फिर मुस्लिम्स पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस डालने स्टार्ट कर लिए, उसको इंडिया का थर्ड क्लास सिटीजंस ट्रीट करना स्टार्ट किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया ने ब्रिटिश के साइड ली और इंडिया एंटी मुस्लिम फोर्स था तो ब्रिटिश ने इन हैंड्स विद इंडिया हिंदू मुस्लिम्स पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस इन एवरी सेक्टर उन पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस और डालने स्टार्ट हो गए, लोगों को जॉब से निकाला, लोगों से ज़मीनें छीन ली, जो हमारे लैंग्वेजेस थे पर्शियन अरबिक उर्दू उनके जगह पे इंग्लिश को नाफिस कर दिया। इसी तरह के मुख्तलिफ मुसलमानों पे उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी डाले और एकदम जो एक रूलर माना जाता था वो एकदम से थर्ड क्लास इंडिया का सिटीजन कंसिडर करने लगा। तो इन टाइम पे सर सैयद अहमद खान का रोल बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था और उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो मुस्लिम आजकल बैकवर्डनेस में है, डिप्रेशन में है या ह्यूमिलेशन में है, उन चीज़ का उनको यहाँ से निकालने के लिए सर सैयद ने इस जॉब को अपने जिम्मे लिया। तो इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे दो से तीन पॉइंट आप से शेयर किए, आपको बताने का मकसद ये था कि आपने इस तरह के मेन मेन तीन चार चीज़ें आपने अपनी इंट्रो में बयान कर रहे हैं। आपका इंट्रो ज़्यादा पूरा एक पेज का नहीं होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट 5 to 6 लाइंस के या 4 to 5 सेंटेंसेस के होना चाहिए, लेकिन इंट्रो में अगर आपको कोई कोटेशन याद हो, कोई रेफरेंस याद हो किसी बुक का तो आपने लाजमी देना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने सर सैयद के हवाले से मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से किसी राइटर का व्यू लिया है कि वो उसने सर सैयद के बारे में क्या कहा है। इसी तरह आपने अगर शाह वलीउल्लाह का है तो शाह वलीउल्लाह के बारे में कोई आप कोटेशन नोट कर लें, या और कोई सवाल हो वाटर क्राइसिस के हवाले से तो आपको वाटर क्राइसिस के हवाले से किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा हो, पाकिस्तान के या अक्सर IMF के जो कंट्री हेड है उनके डिफरेंट बयान वगैरह होते हैं उनको आपने कोट करने हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन का जो इम्पैक्ट है ना स्टार्ट का वो एग्जामिनर पे बड़ा अच्छा जाएगा और डेफिनेटली जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ती है वो लास्ट इम्प्रेशन है। तो बताने का मकसद ये है कि इंट्रो आप हमेशा कोशिश करें किसी भी उससे करें, कोटेशन से कर लें। इसी तरह एक एग्जांपल मैं अपनी CSS के जर्नी से दूंगा। IR का पेपर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा IR का पेपर हिट हुआ था और मैंने वहाँ पे सेकंड जो पेपर जो हिट हुआ था उसमें मेरे
कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स थे, तो वहां पे मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जो दो क्वेश्चंस थे उसकी स्टार्ट मैंने एक दो कोटेशन से लिखा था. फॉर एग्जांपल नाजीज्म पे एक क्वेश्चन आया था, तो उस पे मैंने जर्मन लीडर के कोटेशन से स्टार्ट किया था. तो उससे आपका एक हो सकता है एक इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, बाकी जो कैंडिडेट्स है उनसे आपका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होगा. और ये जो आप कोटेशन लिखेंगे उसको काइंडली ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर से लिखे ताकि वो एक प्रोमिनेंट हो जाए. तो ये इंट्रो है. इंट्रो में आपने 4 से 5 सेंटेंसेस में आपने पूरा क्रक्स बताना है कि जो आप आंसर देने जा रहे हैं चाहे जिस पे भी हो उसका आपने एक जर्नल सा क्रक्स बताना है इंट्रो में, ओवरव्यू देना. अच्छा, फिर आपको दूसरा हेडिंग बनेगा इसमें कि सर सईद की कंट्रीब्यूशंस, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस क्या है, पॉलिटिकल एरेना में, पॉलिटिकल सफेयर में सर सईद की क्या कंट्रीब्यूशंस है. ये मेन हेडिंग है. उसके नीचे जो मैंने जितने भी बुलेट्स बनाए वो आपके सब हेडिंग बनने चाहिए. फॉर एग्जांपल सर सईद ने कोशिश की कि जो ब्रिटिश और मुस्लिम्स के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है आफ्टर 1857 का वार, उसको सर सईद ने कोशिश की कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए. उसके लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए. वो सारा आप जब सर सईद की कंट्रीब्यूशन को आप जब किसी भी बुक में या इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन बेसिस पे सर सईद ने किस तरह मुस्लिम और ब्रिटिश के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको कम किए. तो आपने अगर इसकी एक हेडिंग होगी तो उसके नीचे आपने 1 से 2 सेंटेंसेस में आपने उसको एक्सप्लेन करना है. तीसरा, क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स अबाउट पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन. फॉर एग्जांपल मुस्लिम बड़े डिसहार्टेड थे क्योंकि ब्रिटिश ने उस टाइम के हिंदू से मिलके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाली थी उस पे मुस्लिम्स पे. स्पेशली जो पर्शियन और अरबिक है जो मुस्लिम्स के लैंग्वेज कंसिडर किए जाते थे उसको इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया था. फिर आगे आके हिंदू उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गए. इस तरह के काफ़ी इश्यूज आ रहे थे. तो सर सईद ने उस टाइम के मुस्लिम्स को पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स के हवाले से एक अवेयरनेस थी कि जो आज मुस्लिम्स पे जो टाइम गुजर रहा है उसको हमें कोप करना है उसके साथ, और उसको इन्हीं चीज से हमने इनको बेनिफिट लेते हुए कोशिश करना है कि हम इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से निकल आए. और थर्ड था, सर सईद की फैमिली ने ऑलरेडी ही ब्रिटिश जो इंडियन कंपनी है उसको ज्वाइन कर लिया था, तो उनका एक ब्रिटिश से बड़ा अच्छा रिलेशन था, कॉर्डियल रिलेशन था. तो सर सईद ने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश की कि अपने रिलेशन के बेसिस पे जो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया थे उनकी कंडीशन को बेटर करने की कोशिश की. ये एक हेडिंग है. 3 हेडिंग हो गए सब. उस पे आपने नीचे 2 से 3 सेंटेंसेस लिखने. लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ये इस पे सर सईद ने बता दिया था ब्रिटिश को कि कुछ मुस्लिम्स ने 1857 के वॉर के दौरान ब्रिटिश की जान बचाने की जान बचाई थी, तो उनको हाईलाइट किया था ताकि जो ब्रिटिश के माइंड में, जहन में मुस्लिम्स के हवाले से जो एक फीलिंग थी, इक्रमोनियस फीलिंग थी, उनको ख़त्म करने के लिए सर सईद ने ये लॉयल मोहम्मदियन ऑफ इंडिया के नाम से लिखा था. और इस पे ये चीज़ें बताई थी कि कुछ मुस्लिम्स ने जो 1857 के वॉर के दौरान ब्रिटिश की जान बचाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें ये सर सईद की ये सारी इनिशिएटिव्स पॉलिटिकल सफेयर में मुस्लिम्स और ब्रिटिश को क्लोज करने का या उसमें अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म करने का. इसी तरह रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, जिस पे सर सईद ने कॉजेस लिखे 1857 के जो वॉर था उसके कॉजेस लिखे ताकि ब्रिटिश को मालूम कर सके कि किसके बिना पे ये 1857 का वॉर हुआ. इसी तरह सर सईद ने मुस्लिम्स को एडवाइस किया कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहें क्योंकि वो टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का या पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं था. और उस टाइम पे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, तो सर सईद ने मुस्लिम्स से एडवाइस किया कि आप
पॉलिटिक्स या इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन न करें। इसी तरह कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल सफेयर के हवाले से या एजुकेशनल एरेना में, तो पहले आपके हेडिंग हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है सर सईद के जो एजुकेशनल मूवमेंट है जो सर सईद ने स्टार्ट किया उसको ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। उसमें दो दो ऑब्जेक्टिव्स थे, मॉडर्न एजुकेशन क्योंकि मुस्लिम्स जो वेस्टर्न एजुकेशन को हासिल करने में तैयार नहीं थे, तो सर सईद ने कोशिश की कि मुस्लिम्स को हिंदू से कम्पीट कराने के लिए उनको वेस्टर्न और मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। तो उसकी एजुकेशनल जो मूवमेंट थी उसका वन ऑफ द पर्पसेस वही थे कि उसमें मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए मुस्लिम्स को। सेकंड, कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुस्लिम्स की जो दूरी थी या रिलेशंस जो ख़राब हुए थे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, उन चीज़ों को कम करने के लिए, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव थी एजुकेशनल मूवमेंट के। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, मुरादाबाद और गाजीपुर में स्कूल्स बनाए थे। इसी तरह साइंटिफिक स्टडी बनाए 1864 में, इसका मकसद था कि जो इंग्लिश में मॉडर्न वर्क है उसको पर्शियन और उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए ताकि मुस्लिम उससे फ़ायदा हासिल करें। इसी तरह अलीगढ़ गैजेट था, ये 1886 में पब्लिश हुआ। इसमें कोशिश की थी कि मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरमियान एक फ्रेंडशिप या गुडविल के सेंटिमेंट्स पैदा हो। इसी के तहत मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1866 में इस्टेब्लिश किया। इसमें मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक्स डिस्कस होते थे, पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड करते थे। इसमें सर सईद के साथ साथ और भी मुस्लिम लीडर शामिल थे। इसी तरह सर सईद फिर इंग्लैंड चले गए और वहाँ से कोशिश की कि ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज का एजुकेशन सिस्टम क्या है ताकि उसको अडॉप्ट किया जाए मुस्लिम्स एंड जो मुस्लिम्स के जितने भी स्कूल है उनको उसमें अडॉप्ट किया जाए। इससे आप सर सईद के इस इनिशिएटिव से आप अंदाज़ा लगा दें, इस तरह के इनिशिएटिव्स लेके सर सईद जो मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरमियान एक जो फ्रेंडशिप या सेंटिमेंट्स ऑफ गुडविल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके हेडिंग्स हो गए हैं, साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ गैजेट, एजुकेशन सिस्टम ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, ये आपके सब हेडिंग्स हैं। उनके नीचे आपने दो से तीन सेंटेंसेस में आपने चीज़ें लिखनी, और उसके बाद अंजुमन तरीके ये मुसलमान हिंद ये इस्टेब्लिश की गई ताकि मॉडर्न नॉलेज इम्पार्ट किया जाए। इसी तरह मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये इस्टेब्लिश हुआ स्कूल 1874 में, फिर 1877 में उसको कॉलेज का स्टेटस मिला, 1920 में उसको फिर यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। तो ये सर सईद की कंट्रीब्यूशंस हैं एजुकेशन सेक्टर में। इसी तरह सोशल सर्विसेज हैं, तहजीब अल अखलाक, इसमें सर सईद ने एक कंजर्वेटिव वे ऑफ लाइफ पे क्रिटिसाइज किया, और क्योंकि दौर बदल चुका था, अब एक वेस्टर्न एक उसकी हुकूमत चल रही थी, तो सर सईद ने कहा था कि मुसलमान को उन चीज़ों से कंजर्वेटिव वे ऑफ लाइफ से निकाल के एक अडॉप्ट करना था कि अगर हिंदू से कम्पीट करना है, क्योंकि हिंदू ने उस चेंज से फ़ायदा उठा लिया था और अपने आप को काफ़ी मुसलमान से आगे लेके गए थे। तो सर सईद का मकसद यह था कि मुसलमान को भी चाहिए कि वो कंजर्वेटिव वे ऑफ लाइफ, कि हम सालों से यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, अब एकदम ये मुसलमानों की हुकूमत गई और ब्रिटिश आए, तो उन चीज़ से निकाल के अब जो चेंज आई उसको अडॉप्ट करना चाहिए, न्यू ट्रेंड्स जो चले हैं अंडर ब्रिटिश। तो ये सारे सोशल सर्विसेज थे। इसी तरह ऑर्फनेज हाउसेस इस्टेब्लिश किए, क्योंकि उस टाइम पे ये ग्रीवियंसेस थे कि मुस्लिम्स की कि जो ब्रिटिश डिफरेंट ऑर्फनेज हाउसेस चला रहे हैं और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हैं, तो सर सईद ने इस चीज़ को कम करने के लिए खुद ऑर्फनेज हाउसेस बनाए ताकि जो मुस्लिम्स के जो ऑर्फन चिल्ड्रन है उनको ताकि एक शेल्टर दे सके, उनको उनकी देखभाल किया जा सके। अंजुमन तरीके उर्दू बहुत इम्पोर्टेंट है, 1967 में उर्दू और हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, उसको करने के लिए उर्दू के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रेस के लिए ये बनाया गया था, एक सोशल सर्विस है। इसी तरह अहकाम है तहाम अहले किताब, ये
इसमें यह था कि ये इसमें भी ये लिखा गया था कि जो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स ये आपस में बैठ के खाना खा सकते हैं, इनके रिलेशन के बारे में बताया गया था, क्योंकि ये सोशली बहुत इम्पोर्टेंट था। जब साथ बैठेंगे नहीं तो वो एक गुडविल का सेंटिमेंट दोनों में क्रिएट करना मुश्किल हो जाता था, तो इस वजह से सोशल सर्विसेज में सर सही के ये खदमात है। तो फिर लास्ट आपको जो हेडिंग होगा वो कंक्लूजन होगा, फिर आपने वो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी एक तीन से चार सेंटेंसेस में इसको सम अप करना है। तो पहले जो मैं आपसे बात हो रही थी उसकी यहाँ पे प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हो गई है, सोशल सर्विसेज, एजुकेशनल, ठीक है, और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस। तो शुरू में वो पोर्शन करने का मकसद ही यही था कि आप अपनी तैयारी के दौरान ही, जब भी आपने किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, तब भी ही आपने इन चीज़ों को पैरामीटर्स या फैक्टर्स को अगर आप जहन में रखेंगे तो आप किसी क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे में भी ये फायदा होगा, ऐसे में आपने आउटलाइंस बनानी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो आपको पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, ग्लोबल, इंडिविजुअल और रीजनल और कंट्री लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे सारे आपको पैरामीटर्स याद हो, फैक्टर्स याद हो, तो आप इजीली आउटलाइन बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज के प्रेजेंटेशन के हवाले से। बाकी नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगा कि एक करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में जो जीबी का जो 2017 का जो पेपर है उसको थोड़ा एनालिसिस करके कि इसकी तैयारी किस बेसिस पे, किस डायरेक्शन में दिया जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह उस पे होगा। अभी किसी के क्वेश्चन वगैरह है तो फिर आप हैंड रेस करें, तो फिर उसी हिसाब से इंशाल्लाह क्वेश्चंस हैंडल करेंगे। जी जिसके भी क्वेश्चन है आप। अच्छा राना उस्मान, जी राना उस्मान आपको क्वेश्चन था। अच्छा मिस जहरा आपको अनम्यूट किया मैंने, आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आप ये बता सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्री पार्टीशन में हम जैसे आप पेपर अगर हम देख लें, एनालिसिस करें, तो उसमें ज़्यादातर प्री पार्टीशन से क्वेश्चन आए हुए हैं और जो पोस्ट पार्टीशन का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया हुआ, तो उसको हम मतलब उसको स्किप कर सकते हैं, मतलब उस टाइम पीरियड को हम स्किप करके हम करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जितना पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं, और प्री पार्टीशन को हम कर लें। जी मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है ना, इवन इन सीएसएस, अब वो ना एक ही की तरह पेपर आता है, तो लेकिन अगर आप बिल्कुल भी उसको स्किप ना करें, जिस तरह मैंने आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, शाह वलीउल्लाह, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, इसी तरह सर सईद है, इस तरह आप सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन तैयार करके रख लें, अगर इन केस अगर वहाँ से एक या दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके पास अगर कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आप उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकें। तो फोकस आपका, मैं तमाम एस्पायरेंट से ये कहता हूँ कि फोकस आप